कहानी की शुरुआत होती है, दिखाया जाता है नगुमा नाम का एक लड़का जो बैठा होता है। उसके बाद दो बच्चे आते हैं, उसे बुली करने की ट्राई करते हैं, लेकिन इनमें जो बंदा होता है हिमाया, वह काफ़ी ज़्यादा ही बुली के नाम पर जाना जाता है पूरे स्कूल में। दूसरा बंदा उसे कहता है उसे जाने के लिए, बिकॉज वह काफ़ी ज़्यादा ही वीक है नगुमा, इसलिए उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसके पास एक लड़की आती है कावरी नाम की, जिससे वह बात करती है और उसके सामने वाली डेस्क पर पास वाली डेस्क पर बैठ जाती है। वह काफ़ी खुश होता है उससे बात करके, बिकॉज पूरे स्कूल में वह एक ब्यूटी के नाम से जानी जाती है, यानी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लोग उसे बहुत सारे लोग हैं पसंद करते हैं, लेकिन फिर वह उससे बात कर रही होती है। उसके फ्रेंड्स बाकी सारे लोग होते हैं इस बात से काफ़ी जेलस होते हैं कि गावरी है वह उससे बात कर रही है। एको नाम की एक टीचर होती हैं जो उनके रूम में आती हैं और सभी से बैठने के लिए कहती हैं, लेकिन अचानक से वहाँ सब में काफ़ी सर्कल से बनने लगते हैं, यानी टेलीपोर्टेशन मैजिक दिखाया जाता है। वे लोग समन को पहुंच जाते हैं एक दूसरे वर्ल्ड में, यानी एंडर वर्ल्ड में, जहां गॉड्स ने उन्हें समन किया होता है, जिससे कि वे यहां पर काफ़ी सारे डीमंस मॉन्स्टर्स हैं उनसे फाइट कर सकें, जहां पर वे काफ़ी शॉक्ड होते हैं। वहाँ एक बंदा आता है कैप्टन, जो कि ये सबको बताता है कि यहां पर सभी लोग हैं, उन सभी के पास में अपने अपने स्टेटस हैं, अपनी अपनी एबिलिटीज हैं। उन एबिलिटी के हिसाब से उन लोगों को मौका दिया जाएगा, यानी 10 vs 10,000 डीमंस के समझ लो ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज वे काफ़ी ज़्यादा रेयर्स लोग हैं। यहाँ पर भी नगुमो होता है, उसकी स्टेट्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा बेकार होती हैं, जैसा कि उसके असली वर्ल्ड में होते हैं। यहाँ से उसकी जर्नी है स्टार्ट होने वाली है, जिसके पूरे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, किस तरह से वह आगे चल के पावरफुल बनने वाला है और वह क्या करने वाला है। जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट होगी। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है एक जगह जहाँ पर कि जो नगुमो होता है वह भाग रहा होता है बचकर एक डीमन से। वह काफ़ी ज़्यादा एक डर हुआ होता है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद भी वह यहाँ पर मरने वाला है, और सोच रहा होता है कि सच में उसकी लाइफ का एंड इस तरह से ही होने वाला है। उसे एक बनी दिखाया देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है, लेकिन उसकी जो डेमोनिक कभी होती है वह उसको नहीं पहचान पाता, यानी वह एक कितना डेमोनिक है। वहाँ पर दो डीमंस अटैक करते हैं तो उनको वह अटैक करता है और उनको वह आसानी से ही बनी खत्म कर देता है, और अचानक से आ जाता है वह नगुमो के सामने और वह एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। और तभी नगुमो के सामने एक बहुत बड़ा बियर आ जाता है जो अटैक कर देता है उस पर, लेकिन वह उससे बचकर भागने लगता है अपनी लाइफ के लिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ही वीक होता है। लेकिन मॉन्स्टर होता है वह उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, बिकॉज उसको तो वह खाने के तौर पर है, वह उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन नगुमो होता है वह केवल उससे बचकर भाग रहा होता है, केवल अपने आप को सर्वाइव करने की ट्राई कर रहा होता है। मैं अपनी स्किल यूज करता है जिससे कि वह एक केव के अंदर चला जाता है और अपने जो आसपास के स्टोन्स होते हैं ट्रांसफॉर्म कर देता है जिससे कि उन्हें रोक सके, लेकिन वह बियर होता है फिर अटैक कर देता है। मैं अंदर जाता और एकदम बेहोश हो जाता है। इस तरह से फिर चेंज होता है। कुछ टाइम जब वह जागता है तो देखता है उसके मुँह में होली वाटर गिर रहा होता है, उसके सामने एक सीक्रेट स्टोन होता है जो कि चमक रहा होता है। उसने इसकी बुक्स के बारे में पढ़ा होता है इस वर्ल्ड में आने के बाद, इन क्रिस्टल्स के बारे में जो कि माइनिंग या फिर माउंटेन्स के काफ़ी ज़्यादा नीचे होते हैं, सीक्रेट स्टोन्स। स्टोरी पास्ट के बारे में दिखाई जाती है, आखिर वह किस तरह से यहाँ पर आया है, किस तरह से इस वर्ल्ड में क्या हुआ है, जिसके बारे में बताया जाता है कि हमेशा से काफ़ी वीक रहा है इस वर्ल्ड में आने के बाद भी। फिर वह सोचने लगता है आखिर वह किस तरह से यहाँ पर आकर फंस गया, बिकॉज इस वर्ल्ड में बल्कि कहें तो पहले वर्ल्ड में जब वह था जहाँ पर कि वह काफ़ी वीक था, फिर इस वर्ल्ड में वह आया जहाँ पर भी वह वीक ही रहा, लेकिन किस तरह से वह इस जगह पर आकर फंस गया जहाँ इतने मॉन्स्टर की वजह से फंस गया। स्टोरी बताई जाती जब वह पहली बार इस वर्ल्ड में आया था, जहाँ पर कैप्टन होते हैं सभी स्टूडेंट्स को लेकर जा रहे होते हैं एक लेवरिंग की तरफ, जहाँ पर कि उनका एक मिशन होता है केव के अंदर, जहाँ एक बंदा है इसका नाम कुछ ऐसा है लेकिन मुझे समझ नहीं, इसे हम अनोवा बुलाएंगे, और वह मतलब कावरी और नगुमा के साथ में होता है, जिसके टीममेट काफ़ी और भी होते हैं इनकी टीम में, इनके साथ में वह होता है जो कि नगुमा में काफ़ी ज़्यादा ही वीक है इन सबके बीच में। ये सारे लोग होते हैं मिशन के तौर पर आए होते हैं। कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि सामने जो ऊपर कुछ क्रिस्टल्स हैं उनको इकट्ठा करके ले जाना होगा रॉयल कैप्टन के लिए, काफ़ी अच्छी होती है, ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती हैं और काफ़ी कीमती होती हैं। एक बंदे इसे टच करता है, उन्हें पता चलता है ये तो मॉन्स्टर्स का एक ट्रैप होता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, तो सारे लोग मिलकर उन सभी से फाइट करने लगते हैं। कावरी भी फाइट कर रही होती है लेकिन वह हीलर तौर पर ज़्यादा होती है। और इधर दिखाया जाता है जो नगुमा होता है गर्ल के साथ में होता है, उसे प्रोटेक्ट करने ट्राई कर रहा होता है। सारे लोग होते हैं सील बनाने लगते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सभी लोगों को, लेकिन नगुमा होता है वह अपनी ट्रांसटिट्यूशन स्केल यूज करता है और वह सबको रोकने लगता है जिससे कि मॉन्स्टर इधर ना आए, लेकिन कोई फायदा नहीं। सारे लोग होते हैं मिलकर अटैक करने लगते हैं, नगुमा होता है उन तरफ जाने लगता है, लेकिन उनके टीम मेट का जो अटैक होता है डायरेक्ट अटैक नगुमा को हिट होता है, जिसकी वजह से वह उसी लेफरिंग थी उससे नीचे की तरफ गिरने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही नीचे होता है। अब दिखाया जाता है प्रेजेंट में वह जब जागता है
यानी ये सब सोचने के बाद में कि ऊपर से वह गिरा था, आखिर ये क्या, क्यों वह अपने जो टीममेट्स यानी स्टूडेंट्स थे उनके साथ में था और आखिरकार अब यहाँ पर आ गया, आखिर क्यों। तभी उसके ऊपर एक भेड़िया होता अटैक कर देता, लेकिन कोई फायदा नहीं, उनसे बच रहा होता, यहाँ पर वह खुद को सर्वाइव कर रहा होता है एक क्रिस्टल का जो प्योरीफाइड वाटर होता है उसके तौर पर, उसको यूज करके उसके लेवल्स होता है, लेवल 8 हो गया होता है, उसके बाल को कलर चेंज हो गया होता है, वह अपनी स्किल भी यूज करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया होता है, कुछ न्यू थंडर स्किल भी होती हैं और अपनी ट्रांसटिट्यूशन स्किल यूज करके वह एक गन बनाता है जिससे कि वह काफ़ी सारी बुलेट्स को भी यूज कर सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, और जब भी उसका मॉन्स्टर सामना होता है तो उन्हें खत्म कर देता है। इधर उस बियर से दोबारा उसका सामना होता है, लेकिन अब इस बार वह तैयार होता है पहले ही, बियर जैसे अटैक करता है तो उसे डॉच कर लेता है और पीछे तरफ गिरने लगता है, लेकिन वह पहले से इस सब चीज़ के लिए प्लानिंग कर रखी होती है इसलिए ऊपर तक चला जाता है जंप करते उसके सारे अटैक से डॉच करते हुए, और वह अटैक करता अपनी गन से जिससे कि उसका हाथ कट गया होता है उस बियर का, और एक पॉइंट ब्लैंक हेडशॉट मारता है जिससे कि जो बियर होता है वहीं एक ही अटैक वजह से मारा जाता है। इस तरह से उसका लेवल अप हो गया होता है और वह उस क्रिस्टल का जो प्योर वाटर होता है उसको पी रहा होता है जिसकी वजह से उसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी आ रही होती है, और वह केव होती है यानी पूरा डंजन उसमें वह एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है, आसपास में एक्सप्लोर कर रहा होता है और पास की केव जहाँ उसे पता चलता है कि वहाँ एक लिजार्ड भी है जिससे कि अभी वह बचता है जिससे कि उसके साधन सामना ना कर पाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसका लेवल अप होता जाता है वो उस लिजार्ड को वहीं पर ख़त्म कर देता है एक ब्लूट शॉट, और वह उसको भी अपने मैजिक ख़त्म कर देता है। इस तरह से वह काफ़ी सारे जो भी डीमस उसे मिलते हैं या फिर लिजार्ड्स या फिर कैसे भी मॉन्स्टर सबको ख़त्म करता जा रहा होता है, 44 लेवल पर पहुँच भी जाता है। इधर सारे लोग होते हैं आकर रिपोर्ट करते हैं किंग के लिए किस तरह से उन्हें क्रिस्टल्स मिले थे जहाँ पर कि उन्हें एक ट्रैप था जिससे कि उनको सभी को टेलीपोर्ट करके एक 65 लेवल पर पहुँचा दिया गया उस डंजन में, जिसके बाद उन सभी का सामना हुआ काफ़ी सारे बड़े मॉन्स्टर से, उन सबसे सामना करते हुए एक हीरो था जो कि वहीं बैली से नीचे गिर गया और वह मारा गया। किंग कहते हैं ठीक है इस न्यूज़ के बारे में सीक्रेट रखा जाए, किसी को भी इसके बारे में बात ना करें, यानी सील करके रखे इस चीज़ को। इधर दिखाया जाता है कि कावरी होती है वह भी बचाना चाह रही थी नगोमा के लिए, लेकिन सुजुकु नाम की एक गर्ल होती है जो कि उसे रोक लेती है, जबकि जो नगोमा होता है नीचे गिर रहा था उस टाइम वह उसे रोकने की ट्राई करती है, जो कैप्टन होता है वह कावरी को रोकने लगता है। इधर सुजुकु भी होती है वह कावरी को पकड़ लेती है कि वहाँ पर अनकॉन्शियस हो गई थी, और वह कुछ शक कर रही होती है मतलब नगोमा की डेथ पर, और वो खुद ही प्रैक्टिस करने लगती है, फिर सोचने लगती है और बताया जाता है बताया गया था इस बल में बहुत सारे डीमंस हैं जिनके सामना करने के लिए उसको उन सभी लोगों को समन किया गया है। इधर पादरी होता है किंग के पास में बताता है इस बल में बीस्ट मतलब बीस्ट टाइप ह्यूमंस और ह्यूमंस और कुछ डीमंस रहते हैं, जो डीमंस हैं बहुत सारे मॉन्स्टर को भी कंट्रोल करते हैं और ह्यूमंस हैं केवल सर्वाइव कर रहे हैं उन सबसे बचने के लिए, डीमंस सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। इधर टीचर होती हैं इन सभी एक्सप्रेशन सुनकर वे काफ़ी सारी भड़क रही होती हैं। इधर सुजुकु सोच रही होती है कि वंदा है ना या वे सच में इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं, हमेशा ही नगोमो से जलस रहता था कि सच में सबके पीछे उसका भी हाथ हो सकता है किसी और का। 5 दिन बीत गए होते हैं और कावरी को होश आ गया होता है, जिसके पास में सुजुकु जाती है और बात करती है और खुश होती है, लेकिन वह पूछती है नगोमा के बारे में कि आखिर उसके बारे में क्या, तो वह उसके सवाल को टालना चाहती है, लेकिन कावरी उससे पूछती है कि आखिर बताओ उसके बारे में क्या, तो वह कहती है वह अब नहीं रहा, वह सोच सुनती है उसके बारे में तो कहती है उसे केव में जाना है वापस। इधर दिखाया जाता है नगोमो जो कि अभी अपनी गन से काफ़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है, बहुत सारे मॉन्स्टर को मारते हुए पहुंच गया होता है एक गेट के सामने, जो गेट काफ़ी सस्पिशियस उसे दिख रहा होता है, वो उसको सोचता है खोलने की ट्राई करता है कि हाँ शायद वो उसे खोल सकेगा, लेकिन जिससे सामने लाइटनिंग लाइट चमकने लगती है और जिससे पीछे हट जाता है, लेकिन वहाँ पास में कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि अचानक से पूरी मॉन्स्टर बदल जाते हैं, स्टैचू से मॉन्स्टर बदल जाते हैं, वो उसके ऊपर शूट करता है और मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है और कहता है ओ चलो ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन उनका कोर उन्हें जो मिलता है उसे पता चलता है जो कोर है वह कोर नहीं बल्कि एक की है इन डोर को खोलने के लिए, उनको खोलने के बाद उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक गर्ल है जो कि सील कर दी गई है, वह कहता है उसने सोचा था कि कुछ और मिलेगा लेकिन ये गर्ल है इसीलिए उसको छोड़कर जाने लगता है। वह गर्ल उससे कहती है उसको हेल्प करने के लिए बिकॉज उसके लोग थे उन्होंने उसको धोखा दिया और यहाँ पर उसे कैद कर दिया, उसकी स्किल्स थी उसके लिए उसका मैजिक था इस वजह से उसको यहाँ पर कैद कर दिया उसकी हीलिंग मैजिक की वजह से भी, और वह एक वैम्पायर है और जिसको उसके अंकल ने यहाँ पर कैद कर दिया है। वह कहता है ठीक है और ये कहकर उसको आज़ाद करने लगता है और अपनी मैजिक यूज करता है जिससे उसे आज़ाद करा देता है और खुद को रिकवर करने लगता है, जिसे देखती है और वह कहती है आखिर उसका नाम क्या है, अपना नाम बताता है नगोमा है तो बताती है उसका नाम यूई है, और वह काफ़ी अधिक खुश होती है उसे मिलने के बाद उसे थैंक्स कहती है, लेकिन तभी दिखाया तो कुछ डैगर से अटैक होता है तो उसको लेकर प्रोटेक्ट करने के लिए जंप कर देता है जिसे इंजर्ड हो जाता है और तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, अपना कोट उसको दे देता है और उसको वहाँ से प्रोटेक्ट खुद को करने के लिए कहता है।
यहाँ पर एक स्कॉर्पियन आता है जिसके साथ फाइट करना ट्राई करता है, नहीं स्टार्ट कर देता है। वह कहता है इसको वह नहीं छोड़ने वाला ही, कहकर अपनी एक गन से शॉट यूज करने लगता है जिससे उसे खत्म कर सके स्कॉर्पियन। लेकिन उसके गन से कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता उस सारे अटैक से भी। वह स्कॉर्पियन होता काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वह खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर स्टोन डेवलप करने लगता है। इधर यूई होती है, वह उसको ब्लड को सक करने लगती है जिससे कि वह अपनी पावर्स को रीगेन करके वैम्पायर्स की उस पर अटैक कर सके। सेम वह करती भी है जिससे स्कॉर्पियन मरता तो नहीं है लेकिन स्कॉर्पियन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है उसके एक अटैक की वजह से। नगुमा कहता है उसे रुकने के लिए और उसके ऊपर एक अटैक करता है जिससे वह जो मॉन्स्टर होता है मारा जाता है। तो यूई पूछती है कि आखिर वह इतनी ज़्यादा डेंजर में खुद को क्यों डालता है हमेशा ही, वह खुद को प्रोटेक्ट करके यहाँ से जा भी तो सकता है। तो वह कहता नहीं, उसकी खासियत यही है, यानी वह हमेशा ही चैलेंज को एक्सेप्ट करना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि वहाँ से उन चैलेंज से भागना। यूई उसे बताती है इस वर्ल्ड में सब कुछ जो क्रिएट किया गया मॉन्स्टर वगैरह को मतलब लेवरिक ने किया है। लेवरिक है जो कि गॉड्स के अगेंस्ट गए, जिन्होंने कि इस लेवरिक ने सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद से ये सब तबाही हो रही है। वह कहने लगता है वो ही सच में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद वो सबको नोटिस करता है, अब नोट कर लेता है, जहाँ पर एक राइफल बनाता है और इसका नाम भी रखता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइफल होती है। और वह अपने बारे में बताता है कि वह यहाँ से नहीं बल्कि वह अर्थ से आया है, इसके बारे में उसे यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं, वह अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर आया था, उसके सारे फ्रेंड्स थे और उनसे उसे कोई मतलब नहीं रहा बिकॉज पहले भी यूजलेस था, अपने फ्रेंड के साथ में भी यूजलेस ही रहा है, इसीलिए अब वह केवल यही फर्क करता है कि इस वर्ल्ड से वह वापस कैसे जाएगा। और इसीलिए उसने अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह उन सभी को अब उसने छोड़ दिया है, ये समझ लो उनसे उसने कोई मतलब ही नहीं रखा है। और इसीलिए इस डंजन में भी अकेले सर्वाइव कर रहा है। इस फाइट के दौरान ही उसका एक हाथ भी कट गया था, इसीलिए अब वह कोई फर्क नहीं पड़ता उसके दोस्तों से। उसकी स्टोरी सुनकर वह रोने लगती काफ़ी इमोशनली कि हाँ सच में बाबा अकेला इस वर्ल्ड में। कहती है उसकी स्टोरी भी सेम ही है कि इस वर्ल्ड में अब उसका ना घर है कोई ना कुछ, वह भी अकेले ही है। तो नगुमा उसे कहता है ठीक है हम लोग साथ में कंपनी तौर पर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इधर वहाँ से जाने लगता है जिसके पीछे कुछ ड्रैगन्स पड़ गए होते हैं यानी डायनासोर्स पड़ गए होते हैं जिनके सिर पर एक फ्लावर होता है। वह कहता है मेरे ख्याल से कोई है जो इन सारे जो डायनासोर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है इस फ्लावर के द्वारा। वे लोग एक केव में आ जाते हैं जहाँ पर ग्रीन कलर के काफ़ी सारे क्रिस्टल दिखते हैं। वह कहता है लगता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दिखाया तभी एक जो फ्लावर होता है यू के सिर पर भी जम आता है जिसकी वजह से उस पर अटैक करने लगती है। यू के अटैक को देखकर उसे डॉच करने लगता है, जो सारे अटैक्स होते हैं उसको हिट करने वाले होते हैं, लेकिन वहीं एक गर्ल आ जाती है जो कि एक मॉन्स्टर टाइप होती है और वह आकर यू को पकड़ लेती है। यू कहती है कि वह उसकी परवाह ना करे, वह अटैक करे, वह सेम करता है जो कि यू के सिर पर फ्लावर होता है उस अटैक जाकर सीधा उसी गर्ल के लगता है उस मॉन्स्टर के, जिससे वह मारी जाती है। उससे वह जीत जाता है तो वह गर्ल यानी यूई कह रही होती है कि आखिर तुम थोड़ी बहुत चिंता करनी चाहिए थी उसके बारे में। इधर वे लोग बैठ जाते हैं आकर, फिर यूई होती है वहीं पर खड़ी हो जाती है और वह नगुमा को देखती है और उससे कहती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है और अपने सारे क्लॉथ्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है, अपनी बॉडी को उसको सो करती है उसे यूज के लिए। इधर वे लोग होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं अपनी चिट चैट के बाद में, जिससे कि जो अगला मिशन होता है यानी आगे की तरफ उस डंजन में जाने के लिए सर्वाइव करने के लिए। वह देखता है सामने तरफ तो एक गेट होता है, वह कहता है सच में काफ़ी खतरनाक खतरे होने वाले हैं, लेकिन वह सच में काफ़ी एक्साइटेड होता है ऐसे किसी भी खतरे को देखकर। वे लोग उस डंजन के यानी गेट के अंदर जाते हैं जहाँ पर कि उन्हें काफ़ी सारे क्रिस्टल्स देखते हैं, जिसे देखकर वह और ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा होता है बिकॉज उसको इस तरह के खतरे ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं। लेकिन सारा ग्राउंड होता है सारी जगह पे सेकेंड यानी कह सकते हैं कांपने लगती है, जिसकी वजह से वह सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जहाँ पर कि एक स्पेल होती है जो कि अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि दिखाया जाता है वहाँ पर सिक्स हेडेड एक ड्रैगन आता है जिसके अलग अलग सिर होते हैं और अलग अलग ही एबिलिटीज होती हैं। वह ड्रैगन होता है अटैक कर देता है जिससे कि दोनों लोग डॉच कर लेते हैं, लेकिन यूई होती है वो उसके अटैक से डॉच करती है, अटैक के लिए ऊपर हवा में चली जाती है। इधर नगुमा होता है हेडेड पर अटैक कर देता है एक हेड पर, लेकिन कोई फायदा नहीं, उनकी जो अटैक्स होती हैं वह हीलिंग हेड द्वारा यानी ड्रैगन द्वारा सबको हील कर दिया जाता है। नगुमा कहता है ठीक है हमें पहले उसको जो हीलिंग हेड है यानी हीलिंग ड्रैगन है उसको टारगेट करना होगा जिससे कि हम उसको सबको ख़त्म कर सकें। उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वह अटैक करते हैं तो डिफेंसिंग वाला जो सिर होता है यानी ड्रैगन वो उसको रोक लेता है, यानी उनकी काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन चल रही होती है ऑफेंस एंड डिफेंस के साथ में विद हीलिंग, जिससे कि वह यूज करता अपनी एक ड्रैगन और वह यूई को उसकी पास्ट के दिखाने लगता है किस तरह से वह ट्रैप थी और जो नगुमा है वो उसको छोड़कर जा रहा है, जिससे अनकॉन्शियस हो जाती है। लेकिन तभी नगुमा आता है और उस हेडेड को मतलब ड्रैगन को दूर कर देता है और
यूई को सेव कर लेता है और देखता है कि वह कुछ इल्यूजन में फंसी हुई है। वह उसकी तरफ देखने लगती है और अपने आप को पूरी तरह से खो चुकी होती है, लेकिन वो उसको किस कर लेता है, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है यूई के लिए भी, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा जागने लगता है और वह कॉन्फिडेंस में आकर अब फाइट के लिए तैयार हो जाती है। वह एक अटैक तैयार करने लगती है उन डीमंस की तरफ एंड ड्रैगन्स की तरफ। यू से कहता है, नगुमो तुम चिंता मत करो, हम लोग साथ में यहाँ से निकलने वाले हैं। वह उसको यहाँ से सेफली घर लेकर जाएगा, हम अपने घर जाने वाले हैं और मैंने जैसा वादा किया अपने वादा पर वह जरूर रहेगा। ये बात सुनकर वह काफ़ी एक्साइटेड होती है और फुल कॉन्फिडेंस से अटैक करना स्टार्ट करती है। और नगुमो होता है, वह अपनी राइफल जो उसने क्रिएट की थी, न्यू बड़ी राइफल, वह उसको यूज करने की कहता है, यानी अब उसे यूज करने जा रहा होता है। लेकिन दिखाया जाता है जो सिक्स हेडेड ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन आता है और वह उसके ऊपर अपना इल्यूजन यूज करने लगता है, जिसकी नगुमो को भी इल्यूजन में फंसा सके। लेकिन उस पर तो साइकोलॉजी इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका होता है कि सारे इल्यूजन उसके लिए कुछ भी नहीं होते हैं। सारे इल्यूजन क्रश करते हुए अटैक करता है, जैसे ड्रैगन के सारे सिर होते हैं खत्म हो जाते हैं। वह यूई को देखता है जो कि अभी काफ़ी वीक हो गई होती है। वहाँ एक और ड्रैगन का सिर बचा होता है, जो कि डेथ ऑफ गार्डियन कह सकते हैं, जो कि मोस्ट पावरफुल होता है। वह अटैक कर देता है यूई के ऊपर, लेकिन उसको नगुमो आकर बचा लेता है अपनी लाइफ को पूरी तरह से खतरे में डालकर, जिसकी वजह से उसके सिर से बहुत ब्लीडिंग होने लगती है, पूरी बॉडी की ब्लीडिंग हो रही होती है। यूई उसकी तरफ आती है और देखती है कि सच में जो नगुमो है कितने ज़्यादा इंजर्ड हो गया है। वो उसके वेपन को लेती है, यानी गन को, और सामने तरफ चली जाती है गन से शूट करने के लिए, लेकिन उसके अटैक से कोई फ़ायदा नहीं। वह ड्रैगन होता है, वो उसके ऊपर फिर से अटैक करना स्टार्ट करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक अटैक्स कर रहा होता है। यूई होती है बस उसे डॉच कर रही होती है और उसके ऊपर एक ओपनिंग की ट्राई कर रही होती है, इसे ख़त्म कर सके, लेकिन एक अटैक से वह फिर से नीचे गिर जाती है और सोचने लगती शायद यही उसका भाग्य है। वह ड्रैगन उस पर अटैक करने वाला होता है फाइनल ब्लो के साथ में, लेकिन फिर से नगुमो जागता है और यूई को वहाँ से बचा लेता है और अपनी अब ओवर पावर, यानी एक न्यू स्किल यूज करने लगता है जिसे उसने डेवलप की होती है, और जिससे अटैक कर देता है और ड्रैगन मारा जाता है और वे दोनों लोग अब वहीं पर कोलैप्स हो चुके होते हैं। उनकी फाइट के बाद जो दरवाज़ा होता है फिर से ओपन हो जाता है, जिससे कि काफ़ी लाइट चमकती है और सब में तबाही होने लगती है। और इधर दिखाया था टीचर आयका होती हैं, जो पॉप के पास आती हैं और बताती हैं कि जो लोग मिशन पे भी लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उनकी लाइफ काफ़ी खतरे में आ रही हैं। लेकिन पॉप कहता है भी उनके मिशन है, उनको पूरा करना होगा, गॉड्स ने इसीलिए उन्हें आपस समन किया है। इधर वे जाली जाती हैं गुस्से में और कहती हैं अपनी स्टूडेंट को बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। सीन चेंज होता है, नगुमा होता है जागता है तो देखता है एक बेड पर लेटा होता है, जिसके पास में जो यू होती है वो नेकेड लेटी होती है, इसीलिए वह काफ़ी एम्बेरस्ड हो जाता है और वहाँ से उठने लगता है। और वह यू से पूछता है कि आखिर वह कहाँ पर है और वह यहाँ पर आ कैसे गए, ये जगह कौन सी है। तो यू उसको बताती है कि वह एक मैवरिक के एक मैंसन में है, जब वह कॉन्शियस हो गया था तो वह हेल्प के लिए लेकर यहाँ पर केवल आ पाई, जिसके पास से तुम जो कपड़े पहन रहे हो बेबी एक मैवरिक के हैं। तो नगुमो कहता है शायद मैवरिक हैं, बेबी एक ह्यूमंस की तरह ही होते हैं। वे लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा मैंसन होता है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। वे अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जब अंदर तरफ जाकर देखता है तो उसके सामने एक चेयर होती है, जिस पर एक स्केलेटन होता है, यानी एक ह्यूमन स्केलेटन लग रहा होता है। वह तभी एक आवाज़ आती है, उसके चारों तरफ एक सर्कल सा दिखता है, जहाँ एक बंदा ऑक्स का नाम का आता है और वह कहता है नगुमो को कॉन्ग्रेचुलेशन, और वह अपने बारे में बताता है कि वही है जिसने की सारी जो लेबरिंग्स उन सभी को तैयार किया एक डंजन के तौर पर, तुम इकलौते हो जो कि यहाँ पर आ पाए हो। इधर दिखाया था सारे लोग होते हैं वह जा रहे होते हैं, यानी सारे स्टूडेंट्स जो कि 65 लेवल पर होते हैं, उनका कैप्टन होता है, वह कहता है कि हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होने वाला है। एक और बंदा कहता है लेकिन हम इस बार इनसे हारने नहीं वाले, हम इन सभी को खत्म कर देंगे, पिछली बार की तरह नहीं होने वाला है। सारे लोग होते हैं एक साथ में मिलकर अटैक कर देते हैं। तो जो बंदा होता है जो मेन करेक्टर कह सकते हैं अपने आप को समझ रहा है, वह अटैक कर देता है। सारे लोग मिलकर काफ़ी कॉम्बिनेशन से अटैक कर रहे होते हैं। इधर बंदा जाता अपनी स्किल यूज करके और वह अटैक कर देता है, जो कि अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। सिजुको होती है, अपने पास से स्वॉर्ड उठाती है और एक पावरफुल अटैक पर कर देती है उसी मॉन्स्टर के ऊपर, जिससे कि आखिरकार वो उस मॉन्स्टर होता है उसका एक हॉर्न काट देते हैं। काओरी होती है, अपनी हीलिंग मैजिक खासतौर से यूज करती है और लोगों को प्रोटेक्ट करने लगती है। मॉन्स्टर अटैक के लिए सामने तरफ जाने लगता है, वे सारे लोग अब एक जगह पहुंच चुके होते हैं, जहां पर कि सुजुको होती है वह एक बैरियर बनाने लगती है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक सकें। लेकिन बैरियर कमज़ोर पड़ रहा होता है तो काओरी उसकी हेल्प करती है, जिससे कि उस बैरियर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रख सकें। इधर वे सारे लोग होते हैं एक साथ में मिलकर फाइट करने लगते हैं। जो बंदा होता है वह जाने लगता है अटैक करने के लिए, मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। सीन चेंज होता है, इधर उसकर का जो कि अब कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहा होता है और कह रहा होता है कि नगुमो है, वह बंदा यहाँ पर है, इसीलिए उसको उस यहाँ की जो पावर्स हैं उसकी भी दे दी जाएंगी, उनका भी यूज कर पाएगा। और सेम ऐसा होता है, इससे उसके सिर में दर्द होने लगता है, उसके बाद सारी मैजिक की जो भी एबिलिटीज होती हैं उनके बारे में सारी नॉलेज आने लगती है और वह सार्प्स को समझ जाता है कि किस तरह से वह और आगे चल के अपनी और
वेपन्स वगैरह को कैसे मैजिक से क्रिएट कर पाएगा। मैं कहती है जो रिंग है इससे तुम और आगे डंजन में जा पाओगे। मैं एक मैजिक बुक देखता है जिसमें कि उस सबको समझ आ रहा होता है, जिससे वो काफ़ी सारी मैजिक्स अपने लिए हाथ तैयार करता है, जिसके बाद वह काफ़ी अच्छी लाइफ वहाँ जीने लगता है। मैं कहता है अभी हमारे लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है, बिकॉज अभी अपने आप को रिकवर करने के लिए यहाँ पर कुछ टाइम के रुका होता है। मैं इस तरह से अपने आप को तैयार करने लगता है नेक्स्ट आगे की तैयारी के लिए। रिंग लेता है और कहता है चलो तो हमारा अब टाइम आ चुका है इस डंजन को आगे एक्सप्लोर करने के लिए। मैं यूं इसे कहता है कि आगे चल के शायद हम बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता हम गॉड्स के भी खिलाफ जा रहे हों, उनके मिशन के खिलाफ जा रहे हों, लेकिन वह हमेशा उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, वह उसके साथ रहेगी तो वह उसे हमेशा साथ रहेगा। यूं ही होती है, वह कहती है उसको उस पर पूरा बिलीव है, वह उसके साथ ही रहने वाली है, वह चाहे जहाँ भी जाए। इधर सिया नाम की एक गर्ल होती है जो कि भाग रही होती है, डबल हेडेड एक मॉन्स्टर होता है जिससे बचकर भाग रही होती है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहीं पर पहुंच जाते हैं नगोमो या फिर कैसे यूई होती है, वो उसकी हेल्प करती है उसको बचाने के लिए। वे दोनों लोग वहां से जाने लगते हैं। अभी तो दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है दोबारा से रीअपियर हो जाता है उन लोगों के सामने ही, जिसके ऊपर नगोमो होता है अपने गन से अटैक करता है और दोनों को सिर को एक बार में ख़त्म कर देता है। जिसके बाद सिया होती है उसके पास आती है और उससे कहती है कि बीच ट्राइब की एल्डेस्ट डॉटर है, वे उससे हेल्प मांगती है कि उसकी हेल्प करे उसकी फैमिली तक उसको पहुँचाने के लिए। मैं उसकी बात सुनता और थोड़ा शांत होती हूँ, कहता है ठीक है, मैं अभी उसकी स्टोरी सुनने के लिए तैयार है कि आखिर उसकी स्टोरी क्या है। मैं कहने लगता है ठीक है, मैं अपने बारे में बताती है कि वह यहाँ पर जा रही थी अपने विलेज की तरफ यानी अपनी ट्राइब की तरफ, लेकिन उसका सामना एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से हो गया। मैं बताती अपने बारे में उसकी माना कंट्रोल की पावर्स हैं, वह अपनी ट्राइब के साथ रहती है, मैजिक वगैरह यूज करना वह भी जानती है, उसके लिए काफ़ी अच्छी स्पेसिलिटीज हैं, लेकिन अभी बीच में रुक चुकी है इसीलिए वह हेल्प चाहती है उसे कि वह उसकी जो ट्राइब उस तक उसको पहुंचाने में हेल्प करे। मैं कहता लेकिन इससे उसको कोई फ़ायदा क्या होने वाला है, तो वह कहने लगती है वह उसको यूज कर सकता है, वह उसको एक गाइड की तरह यहाँ पर वह जा सकती है उसके साथ में, जिससे कि उसको काफ़ी अच्छा होगा और उसको काफ़ी ज़्यादा रास्ते बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। यू ही होती है उसकी बात से सहमत होती है और कहती है हाँ हम उसको एक गाइड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। वह उसको उसके ट्राइब तक वापस ले आने के लिए जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ मॉन्स्टर का सामना होता है जिसको वह डिस्ट्रॉय कर देते हैं और केव में बैठे होते हैं जहाँ पर कि वह बात कर रहे होते हैं और उसको उसके ट्राइब तक वापस ले भी आया होता है। फिर उसके बाद बैठे बात कर रहे होते हैं और कह रहा होता है कि उसका केवल एक ही सपना है या फिर एक ही गोल है कि वह यू के साथ में अपने घर वापस जा सके। उसकी बात सुनकर जो सिया होती है वह काफ़ी इमोशनल दिख रही होती है उनकी ऐसी स्टोरी सुनकर। वह कहती है कि उसकी भी एक विश है और वह भी अब उसके साथ में रहना चाहती है, उसकी जर्नी में शामिल होना चाहती है, लेकिन सारे लोग होते हैं वह जो उसके ट्राइब के यानी बीच ट्राइब के वह काफ़ी फाइट कर रहे होते हैं, तो उनको वह एक मोटिवेशन वाली स्पीच देता है कि यदि आप लोग सर्वाइव करना है तो एक ही रूल है, मरो या फिर मारो, यानी अपने आप को सर्वाइव करने के लोगों को मारो या फिर खुद ही मर सकते हो। इधर दिखाया जाता है सारे लोग होते हैं देख रहे होते हैं और जो यूई और सिया होती है दोनों के बीच एक फ्रेंडली मैच हो रहा होता है जिसमें कि यूई के एक चेहरे पर एक स्क्रैच भी आ जाता है। इधर जाकर नगुमा उनको रोकता है जहाँ सारे लोग होते हैं हंट करके आए होते हैं। फिर इसके बाद में नगुमा को एक जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर एक ट्री होता है जिसमें कि वह एक मतलब रिंग टाइप होती है उसे मिली थी वह लगाता है, जिससे कि वह आगे चल के लेवलिंग के जो नेक्स्ट डंजन है उसके लेवल तक पहुंच सके। वह उनका लीडर होता है, वो उनसे कहता है वो उनकी जो भी हेल्प कर सकता है वह हेल्प जरूर करेगा। वह कहने लगता है हाँ उसको न्यू लेवलिंग के जो गेट है उसको ढूंढना होता है। सिया उसे कह रही होती है वह उसकी हेल्प करेगी, मतलब जो भी वह हेल्प कर सकती है उसके साथ जाएगी उसकी लेवलिंग में भी। वह कहते लेकिन उसको वापस में कुछ नहीं दे सकता है, तो वह कहती है उससे वह नहीं, वह बस चाहती है जब उसकी हेल्प जरूरत हो तो वह हेल्प करे। अपनी मदर के बारे में बताती है, उसकी मदर ने भी इसके बारे में उससे कुछ बताया था। और इधर दिखाया था यूई के साथ में बैठी होती है और यूई से कह रही होती है एक फ्रेंडली डुअल के लिए अगेन। इधर मैं नगुमा के साथ आती है और उससे बात कर रही होती है उसकी न्यू प्लानिंग के लिए, यानी जो डंजन है यानी लेवरिंग है उसकी ढूंढने के लिए। सारे लोग होते हैं वे अभी भी नगुमा को उसकी हेल्प के लिए तैयार होते हैं, उसकी जो भी हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए फिर वो निकल जाते हैं और अभी भी उनको डंजन का जो गेट होता है नहीं मिला होता, इसीलिए वे सर्च कर रही होती हैं जहाँ पर कि सिया होती है वो उसको बुलाती है एक तरह एक केव के अंदर जहाँ पर कि वे अंदर जाकर चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। वहाँ पर भी गलती से सिया को एक गेट मिलता है जो कि डंजन का गेट होता है, इसके अंदर एक टैबलेट भी होती है जिस पर कुछ लिखकर आ रहा होता है, कुछ आवाज़ आ रही होती है, लेकिन सिया उसको अपने हैमर से क्रैश कर देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, आवाज़ बंद नहीं होती है। नगुमो कहता उसे शांत रहने के लिए। वे लोग डंजन के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए जाने लगते हैं तो सामने से कुछ ट्रैप्स आने लगते हैं जिसको यू ही रोकने की ट्राई करती है, लेकिन जो सिया होती है वह अपने हैमर से हिट करके उन्हें खत्म कर देती है। और इस पर वे लोग सारे लोग साथ में मिलकर आसानी से अपनी कॉम्बिनेशन साथ में सारे टास्क पूरे कर लेते हैं। इधर दिखाया था यूका का सीन जो कि कह रही होती है जो टीचर आयका है
मतलब एक कहाँ आए उनसे बात करने के लिए, उनके साथ में उनका साथ देने के लिए, और वहाँ से जाने लगते उसे बात करने के लिए। लेकिन वह कहती है, तुम सभी को ध्यान रखना चाहिए, नगुमो था जिसके वजह से हम लोगों की लाइफ है, वह बच पाई एक बार। इधर सीन चेंज होता है फिर से डंजन के अंदर, जहाँ पर कि नगुमो होता है अपने सारे दोनों गर्ल्स साथ में आ गया होता है, जहाँ पर उनके सामने काफ़ी गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि अटैक करने आने लगते हैं। तो नगुमो कहता है फाइट के तैयार होने के लिए, मीको जी उनका एक पड़ाव होता है इसे पार करना होगा, और वे लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे गार्ड्स होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं मिलकर, जिसके बाद उन सभी गार्ड को ख़त्म करने के बाद पहुंच जाते हैं सामने के यानी बॉस के सामने, जहां पर कि नगुमो होता है बताता है, यहां पर गर्ल मतलब जो रोबोट है वो होता है उसका नाम मै लेडी होता है, उसे कहता है उसको एंसिड मैजिक के बारे में जानकारी चाहिए, वह एंसिड मैजिक चाहिए उसे। लेकिन बॉस को देख कर मै लेडी कहती है कि आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहता, आखिर वह मतलब क्या करना चाहता उसे, तो बताता उसको जबरदस्ती यहाँ पर टेलीपोर्ट करके बुलाया गया है गॉड्स द्वारा, इसीलिए वह चाहता है अपने एंसिड मैजिक यूज करके वापस जाना। लेकिन वह तो मना करती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये गॉड्स की मर्जी के खिलाफ है। लेकिन वे लोग उनके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वह काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस या डैमेज उस पर पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी उसको कुछ खास नहीं होता है, तो वह कहता ठीक है, और ये कहकर अपनी गन लेता है उस पर हार्ट पे शूट करता है, और सारे लोग मिलकर कॉम्बिनेशन से मैजिक अटैक करते हैं, जिसके बाद आखिरकार वो उसको निमा लेडी को ख़त्म कर देते हैं। वे लोग देखते हैं कि जो खत्म हो गई है, लेकिन मरने से पहले वह लास्ट में केवल एक ही बात की वार्निंग देकर जा रही होती है कि वह जो करने की ट्राई कर रहा है वह गॉड्स के खिलाफ है, इस एंसीमेंट को यूज करेगा जो कि काफ़ी अधिक उसके लिए खतरनाक होने वाला है। लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता है, और जो माई लेडी की सोल होती है फिर फ्रेगमेंट बेबी अब खत्म हो चुका होता है। और उधर दिखाया जाता तभी उनके सामने एक और न्यू गेट आ गया होता है, जिसको नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंचना होता है, जहां पर उन्हें पता चलता है मैं लेडी जिसको मरने के बाद उसका सोल फ्रेगमेंट है उसे न्यू बॉडी को अपना लिया है जहां पर कि वह है। लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वह ले लेते हैं, वहां पर काफ़ी सारे ट्रिजर्स होते हैं वे सारे ट्रिजर्स ले लेते हैं, जिसके बाद काफ़ी सारे ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद उनको वहां से भगा दिया जाता है बाहर, जिससे कि जो सिया होती है वह अलग जाकर गिरी होती है, वो लोगों के साथ में ही दिखाया जाता है। उसको सेव करने के लिए वह CPR का यूज करता है, और आखिरकार उसे बचा लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड होता है यू के लिए भी। इधर दिखाया जाता है वो लोग आ गए होते हैं एक जगह पर, जहाँ पर कि उन्हें एक रूम की ज़रूरत होती है, जहाँ पर कि वह कहता है कि उसको एक रूम चाहिए जिसमें कि तीनों लोग हैं रह सकें। लेकिन यू कहती है कि हमें दो रूम लेने चाहिए, एक यानी यू और नगुमा के लिए, और दूसरा सिया के लिए अलग चाहिए। लेकिन सिया होती है वह कहती है कि वह नगुमा के साथ में रूम शेयर करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू को ये बात पसंद नहीं आ रही होती, इसलिए वे लोग आर्ग्यू करने लगते हैं। लेकिन नगुमा कहता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ों से इतना बंदा होता है यानी इसका नाम एल्बा होता है, वह कहता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह उसको कहता है हेल्प के लिए भी, यानी वह एक एडवेंचर है, इसीलिए नगुमो से कहता है उसको एक हेल्प की भी ज़रूरत है यदि वे एक मिशन को लेना चाहे तो। वह बताता है एक पार्टी है जिसको एक कुछ खतरों का सामना करना पड़ रहा है बिलकॉप्टा की, जिसमें कि तुम्हें हेल्प के लिए जाना होगा रेस्क्यू मिशन के तौर पर, जहां पर कि तुम्हें काफ़ी ऐसे रिवार्ड्स भी मिल जाएंगे। लेकिन जो नगुमो होता है उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है दो कंडीशन के साथ में। वह कहता पहली कंडीशन तो है कि उसको और उसकी जो पूरी पार्टी है उसको रहने के लिए एक अच्छी जगह मिलनी चाहिए, और दूसरी है कि उसको यहाँ पर फुल्ली सेफ जगह चाहिए एंड फुल प्रोटेक्शन भी चाहिए जब भी वह ना हो यहाँ पर। कहते हैं ठीक है। इधर वह अपने मिशन के लिए वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है और दिखाया था हमें एक टाउन का सीन, जहाँ पर कि दिखाया था एका और उसके सारी फ्रेंड्स होती हैं वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं मौज से खाना खा रहे होते हैं। एका मिस कर रही होती है नगुमो को कि वह सच में स्टार्टिंग में कितना वीक था, लेकिन आखिर अब उसके साथ में क्या क्या हो गया। एक बंदा होता है उन सबका कैप्टन, वह कह रहा होता अभी सच में जो गाँव है वहाँ पर काफ़ी सारे क्राइसिस आ रहे हैं, मर्चेंट्स वगैरह उनके लिए भी काफ़ी सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, ये विलेज काफ़ी सारी मुसीबतों से अभी गुजर रहा है। इधर एका होती है वह देखती है कि वहाँ से नगुमो निकल रहा है, जो कि उसे थोड़ा बहुत पहचान लग रहा होता है। नगुमो कहता नहीं वह नहीं है, आखिर तुम किसी और को समझ रहे हो। लेकिन वे लोग देखते हैं और एका कहती है सच में ये तो वही है, लेकिन नगुमो उस बात से इनकार कर रहा होता है, तो वह कहती है आखिर क्या दिक्कत है, उसे मना कर रही है कर रहा है। तो नगुमो एका से कहता है उसे दूर रहने के लिए, लेकिन वह एक नाइट आता और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी इस तरह से एका से ठीक से बात ना करने की, लेकिन वो उसे डायरेक्टली शूट कर देता है उसकी नाइफ पर, जैसे कि वह नाइट दूर जाकर गिरता है। इधर युका सोचने लगती है किस तरह से उसने डीमन से बचाया था, यानी युका के लिए नगुमा कहता है इस तरह से एक वार्निंग देते हुए कि यदि तुम लोग मेरे किसी भी रास्ते में आने की ट्राई करोगे तो सच में मैं उसे नहीं पता कि वह क्या कर बैठेगा, तो ये तो सोचना अभी मत कि मैं
कोई हर्ष नहीं जाने वाला हूँ। इधर चला जाता है और मैं सोच रही होती है कई जगह खड़ी होकर कि आखिर भी इतने ज़्यादा हार्श क्यों जा रहा है हम लोग, शायद वह काफ़ी सारे हार्ड टाइम से गुजरा इसलिए ऐसा हो गया है। एक और रूम में पहुंच जाता है नगुमा छुपकर, जिसे शौक जाती है और बताने लगता है आखिर वह क्यों उन लोगों के साथ में नहीं आना चाह रहा है और वह अकेले क्यों ये सब करना चाह रहा है। मैं बताता पास्ट के बारे में, ह्यूमंस और जो मतलब गॉड्स हैं उनके जो भी हुआ है अब तक की हिस्ट्री बताता है। कुछ जो मतलब लेवरेट्स हैं उनको क्रिएट किया गया था जो कि अभी सारी जो मतलब ह्यूमिटी के खिलाफ लोग हैं उनके सामने मतलब खिलाफ फाइट करने के लिए उनको यूज किया जा रहा है। यानी अभी के कह सकते हैं जो लोग उनको भी समन किया गया है लेबरेटर्स के तौर पर, जो कि सेम अभी भी वैसा ही चल रहा है जैसा कि पहले भी किया गया था, जिसके बारे में नगुमा उसको सब कुछ अब पता चल चुका है। वह सारे लेवरेज में जा रहा है जिससे कि वहाँ से वह पावरफुल चीज़ें इकट्ठी कर सके, जिससे कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके और मैवरिक्स को क्रिएट कर सके, जिससे कि वह अकेले पथ पलक जाने वाला है। जो लोग हैं वह अपने केवल हीरो के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त एक अकेले बताता था उस दिन के बारे में भी जबकि वह उसके ऊपर एक अटैक हुआ था, यानी वह बचा रहा था, उसके स्टूडेंट्स में से किसी ने उसके ऊपर जानबूझकर अटैक किया था। एक कहती कि सच में ऐसा कैसे हो सकता है। इधर जब जा रहा होता बाहर तरफ तो बाकी सारी एकाकी स्टूडेंट्स होती हैं आकर बात करने की ट्राई करते हैं नगुमों से, लेकिन वह उसे मना कर देता कि वो उसकी पार्टी में नहीं शामिल होना चाहता। एक आकर कहती है ठीक है हम लोग केवल एक बार कोऑपरेशन करेंगे, इस मिशन के बाद तुम आराम से बाद में जा सकती हो, इसके बारे में कैसा ख्याल है। वह उसकी इस बात को सुनकर ठीक है कोऑपरेशन के लिए मान जाता है। एक और सारे लोग होते हैं, लोग जा रहे होते हैं, पहुंच जाते हैं एक स्पॉट पर जो और इसमें लोग होते हैं जहाँ पर कि मतलब एक ड्रोन टाइप यूज करता है जिससे कि आसपास में नज़र रख सके, जहाँ पर कि वह सर्च करने के बाद बताता है कि उसे एक बैग मिला है जो आधा चला हुआ है। वे लोग जाकर वहाँ चेक करते हैं, पता चलता है वहाँ पर काफ़ी सारे फाइट के भी निशान दिख रहे होते हैं। वे लोग आगे तरफ जाने लगते हैं सर्च करते हुए जिससे कि उन्हें आगे चल के कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सके। वे लोग आगे तरफ जा रहे होते हैं लेकिन यूज करती है जैसे कि वह एक फाउंटेन के ऊपर तरफ जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक बंदा मिलता है बेहोश होता है, तो नगुमा उसे जगाता है और उसे इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है। तो बंदा बताता है कि वह भी एक एडवेंचर गोइल से है जहाँ पर कि रेस्क्यू मिशन के लिए आया था, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं है ठीक से। वह बताता है कि उसका सामना यहाँ पर एक बहुत बड़े ब्लैक ड्रैगन से हुआ जिसके बाद वह कुछ नहीं कह सकता, शायद वह ये जो कि तबाही मचाने के लिए चाहता है। वे लोग होते हैं उसे देखते हैं बिकॉज उस बंदे की जो हालत होती है वह इतनी ज़्यादा ठीक नहीं लग रही होती है और अभी जो खतरा होता है वह विलेज पर होता है। नगुमा उसे और इन्वेस्टिगेट करता है और फिर वो लोग बाहर चले आते हैं। मैं सोच रहा होता है जाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उनके ऊपर एक अटैक होता है जहाँ पर कि भाई ब्लैक कलर का जो ड्रैगन होता है वह आ जाता है। तो इसके अटैक से बचने के लिए नगुमा अपनी शील्ड तैयार करता है जिससे कि वह अटैक को रोक लेता है, लेकिन दिखाया जाता है वहाँ पर यू ही होती है एक और अटैक तैयार कर देती है, उस पर अटैक कर देती है सिचुएशन के हिसाब से ही, लेकिन जो सिया होती है वह भी उसके लिए पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करती है और अटैक करती है। तीन लोग अटैक करते हैं, सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए रुक जाता है लेकिन फिर से जाग जाता है और सिया को दूर फेंक देता है। वे लोग साथ में जाने लगते हैं फाइट करने के लिए। नगुमा कहता है एका से कि अपनी सारी स्टूडेंट्स उन सभी को बचा कर वहाँ से निकल जाए, फिर उसको देखता है फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है अपनी राइफल से, काफ़ी खतरनाक अटैक जिसके बाद वह काफ़ी सारी अटैक स्टार्ट कर देता है और सिया जाकर उसके सिर पर अपने हैमर से अटैक कर देती है। इस तरह से सब लोग मिलकर आखिरकार उस ड्रैगन को हरा देते हैं जिसका नाम ड्रैगन मॉर्न होता है। वह उससे बात करता और कहता आखिर आप तुम बताओगे क्या, तो वह ड्रैगन होती है एक फीमेल ड्रैगन होती है और बताने लगती है कि वह काफ़ी टाइम तक ऐसी उड़ती रही और काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, लेकिन एक ब्लैक रॉक पहने एक बंदा आया जिसने उसे हील किया और उसको कंट्रोल करने लगा। उसे नहीं पता कि आखिर वह क्या कर रही थी, लेकिन उसकी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से ही हैं। नगुमा कहता ठीक है तो फिर हमें तुम्हें एग्जीक्यूट कर देना चाहिए बिकॉज विलेज है उसके लिए खतरा यही है ना। यूई भी सेम ही कहती है, लेकिन वह उससे कहती है उसके ऊपर जो स्पेल है उसको हटाने के लिए जिससे कि वह अपने ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकती है। सेम करती है मतलब करता है और वह एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वह नगुमा से कहती है बात करती है कि उसका नाम टियो क्लारिस है और फिर बताती है उस बंदे के बारे में जो ब्लैक डॉग पहने था, बताती है जिसकी वजह से वह कंट्रोल में थी और भी जो लोग हैं इन ड्रैगन मॉर्न वह भी कंट्रोल में है। वे लोग सभी मिलकर केवल विलेज पर अटैक कर रहे हैं जिससे कि विलेज को तबाह कर सकें। इस सब के पीछे कह सकते हैं तो ब्लैक डॉग वाला बंदा है, वही उन सबको ऑर्डर दे रहा है। सभी लोग कहते हैं इससे पूरा विलेज तबाह हो जाएगा, तो वे कहा से कहता नहीं उसे काम लेना चाहिए, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा। सारे लोग होते हैं देख रहे होते हैं और जो नगुमा होता है वह अपने ड्रोन से चेक कर रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है विलेज में। उन सभी से कहता है वहाँ से जाने के लिए, वह अब यहाँ से सेपरेट और अलग जाने वाला है, लेकिन जो टायो होती है वह कहती है वह भी सच में नगुमा के साथ में उसकी जर्नी फैंटसी जर्नी में मतलब जाना चाहेगी। वह उसको गुस्से होता है गुस्सा होता है और उसके एक पैर को कचेड़ते हुए उसको वहाँ से ले जाने लगता है। वो इधर दिखाया था सीन चेंज होकर विलेज का, जहाँ पर कि सारे लोग होते हैं आकर बात कर रहे होते हैं इस खतरे के बारे में कि जो डीमन लॉर्ड की मतलब पूरी डीमंस की आर्मी है अटैक करने वाली है। तो वहाँ पर एका भी होती है और वह हेल्प करने के लिए कह रही होती है नगुमा से।
नगुमो कहता है ठीक है अभी के लिए डिफेंस के तौर पर मतलब विलेज को हेल्प करने के लिए तैयार है। हेका काफ़ी खुश होती है उसकी हेल्प के लिए। इधर होता है नगुमो एक बॉल तैयार करने लगता है प्रोटेक्ट करने के लिए विलेज के लिए, जहाँ पर आके सारे लोग होते हैं उन सभी को वहाँ से एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है, यानी विलेज से निकाला जा रहा होता है डीमन की आर्मी से, मॉन्स्टर आर्मी से अटैक से बचने के लिए। यहाँ पर अटैक के तैयार होता है कि कोई भी अटैक हो तो, लेकिन युको सुजुको उसके पास आती है और कहती है उसे थैंक्स जब भी उसने उस फाइट के दौरान हेल्प की थी उसकी, लेकिन वह उससे कहता उसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है, कोई बात नहीं। इधर टियो होती है उसके पास में आती है सुजुको जाने के बाद, और वो उससे कहती है कि वह उसके साथ में सच में रहना चाहती है और ख़ुद को वह ऑफ़र करती है उसको एक ऑफ़र के तौर पर, लेकिन वह उसको वहाँ से मना कर देता है उसके ऑफर को डिक्लाइन करते हुए। इधर जो डीमंस की आर्मी होती है उनके बारे में उन्हें पता चल जाता आ रही है, इसीलिए वह सारे विलेजर्स होते हैं उन सभी को मोटिवेट करने के लिए एक अच्छी सी स्पीच देता है, जो स्पीच काफ़ी अच्छी होती है। ये काकू भी काफ़ी ज़्यादा ही मोटिवेट दिख रही होती है। वह कहता है सभी लोगों से फाइट के तैयार रहने के लिए और एक अटैक कर देता है अपनी लॉन्ग राइफल से, जो कि डीमन लॉर्ड यानी कह सकते हैं ड्रैगन की तरफ होता है। वे सभी लोगों से कहता है अटैक से तैयार करने के लिए। जो मतलब डीमंस होते हैं मॉन्स्टर्स अटैक आने लगते हैं तो टीओ होती है और यू और नगुमो सब लोग फाइट करते हैं। दिखाया जाता है सारे लोग की फाइट होती काफ़ी ज़्यादा ही फियर्स जाने लगती है। यूई कहती है उसके लीडर को ख़त्म करने के लिए, तो अपनी बाइक लेता और वहाँ से उड़ता हुआ जाने लगता है। कहता उनके लीडर को वह देखेगा और वहाँ से निकल जाता और जाकर सभी जो मॉन्स्टर सोतन के बीच में फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि काफ़ी फियर्स होता है। लेकिन देखता वह एक हुड वाला बंदा होता है ब्लैक हुड पहने, जो कि सब देख रहा होता है, उसके पास जाता और कहता तुम नहीं बचोगे कर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बंदा होता है उसको नगुमो पकड़ लेता है। इधर दिखाते हैं एका के पास में लोग आते हैं, जहाँ पता चलता है जो बंदा है वो कोई और नहीं मिसुजु है, जो कि उनको पहले जानते हैं वह। तो एका पूछती आखिर वह ईसा मिसुजु क्यों कर रहा है, तो वह कहता है वह केवल एक ही बात से वह एका उसको ख़त्म करना चाहता है, यानी वह केवल एक ही चाहता था तो वह बस केवल एका को ख़त्म करना, इसीलिए वैसे बदला लेने के लिए यहाँ पर कर रहा होता है। एका कहती है सच में ये बंदा पागल हो चुका है, इसके मतलब दिमाग ही अभी ठीक पर नहीं चल रहा है, वह केवल उसको बदला लेना चाह रहा होता है। लेकिन वह एका को तभी पकड़ लेता है उसे करीब जाकर और धमकाते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों को उसकी बात सुननी चाहिए वरना वह एका को ख़त्म कर देगा। इधर नगुमो होता है वह अपने वेपन निकालने को होता है अटैक करने के लिए, लेकिन उन्हें पता चलता है एक डीमन है एंड ड्रैगन है उन सभी तरफ आने लगा है, जो कि खुद भी मिजुको को अटैक कर देता है उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन जहाँ पर किसी आ जाती है और एका को बचाने के लिए, जिसे वह इंजर्ड हो जाती है उस अटैक की वजह से, लेकिन उसने एका के गर्दन में एक पॉइजन को इंजेक्ट कर दिया होता है जिससे कि एका मारी जा सकती है। लेकिन नगुमो होता है अपने पास से एंटीडोट निकालता है कुछ और जिससे कि वह बचा सके एका के लिए। लेकिन बंदा होता है अभी काफ़ी यदि एग्जस्टेड हो चुका होता है, इसीलिए नगुमो उसे कहता है कि अभी उसको ख़त्म कर देना इन्हें एग्जीक्यूट कर देना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बंदा होता है काफ़ी तड़प रहा होता है उसके एसोसिएशन को देखकर, एका होती है अभी उसे छोड़ने के लिए कहती है कि शायद उसकी तभी मतलब माइंड किस है वो ठीक नहीं है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। वे लोग जा रहे होते हैं ऐसे और यू होती है वे लोग समझ रहती है कि नगुमो है क्यों उस बंदे को यानी मिजू को मारना चाहता था इन्हें एग्जीक्यूट करना चाहता था, लेकिन एका थी जिसने कि उसको अभी ना मान के लिए कह यानी उसे छोड़ने के लिए कह दिया था। इधर हमें दिखाया जाता है एक बच्ची के बारे में, जो कि छोटी बच्ची होती है, इसको कुछ लोग होते हैं वे वहाँ से ले जा रहे होते हैं। इधर दिखाया था गुइल में, जहाँ पर कि जो बंदा जिसको रेस्क्यू करने के लिए गए थे उसको रेस्क्यू करके लाए होते हैं, जो गुइल लीडर से मिलता है। इन मिशन का पूरा हो चुका होता है। इधर तीनों गर्ल्स होती हैं रूम में बैठी होती हैं, जहाँ पर खिड़की से नगुमो होता बाहरी तरफ देख रहा होता, जहाँ उसे कुछ सस्पिशियस लोग दिखते हैं जो कि गुइल के आसपास में घूम रहे होते हैं। इधर दिखाया था टियो सोच रही होती है अपने पास्ट के बारे में, उसके फादर ने कहा था गॉड लाइक्स कुछ सस्पिशियस मतलब प्रेजेंस हैं जिनके बारे में एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि काफ़ी पावरफुल हैं। वह भी इसीलिए ऐसे एलियनॉइड या फिर कह सकते हैं कुछ अजीब पावर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जर्नी में शामिल हुई थी। इधर दिखाया था सिया के साथ में नगुमो जा रहा होता है और वे लोग एक एक्रोनियम में पहुंच जाते हैं, जहां एक लेमन नाम की एक छोटी सी येलो फिश होती है, जिससे कि नगुमो बात करता है तो वो उसको बताने लगती है कि उसकी जर्नी है किस तरह से डंजन में फंसा और अब तक वह क्या क्या हुआ है, जिसे सुनकर वह काफ़ी शॉक रहा था। इसी प्लान करता है उसको भी वहाँ से रिहा करने के लिए एक्रोनियम से। इधर उसको ले आता है और वह आकर अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही उसको उस नदी मतलब एक नदी में लाकर छोड़ देता है। वह काफ़ी खुश होते हैं। जो फिश होती है वो उसको बताती है गर्ल के बारे में, जिसको कुछ लोग हैं मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में उसको थोड़ा सोचना चाहिए। वह उसकी बात को सुनता है, इनमें थोड़ा एक हिंट देती है। वह कहता हाँ ठीक है, उसको भी एक गर्ल के बारे में शायद इसकी प्रेजेंस तो वह महसूस कर सकता है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है टायो, जो कि बात करती है यूसी और कहती है कि सी आए वह आखिर नगुमो के साथ में क्यों टाइम स्पेंड कर रही है। तो
तो यू कहती है वह भी उसकी तरह ही जो कि नगुमो को भी पसंद करती है, इसलिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती है। इस तरह से इधर दिखाया जाता है जो नगुमो होता है उसको वह गर्ल जिसके बारे में उस मशीन ने बताया था उसको वह मिल चुकी होती है, जो कि अब होश में आ गई होती है। वह उसकी केयर करता है यानी उसको ठीक से ध्यान रखता है और उसको खाना भी खिलाता है, जिसका नाम म्यू होता है। वह काफ़ी ज़्यादा ही बीकर लग रही होती है, उसका फुल्ली ध्यान रखता है जिसकी अब थोड़ी बहुत ठीक दिखती है। इधर भी लोग अपनी कन्वर्सेशन को जारी रख रहे होते हैं मिसिया और नगुमो के बारे में, लेकिन नगुमो होता है इधर बात कर रहा होता है उस गर्ल के बारे में जिसके उस मतलब फिसनी उसके बारे में बताया था आखिर उसको उसके साथ में क्या करना चाहिए। वह गर्ल को वह उन सारे गार्ड्स होते हैं सिटी गार्ड्स उनको दे देता है जिसकी वह प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन जब वह वहाँ से जा रहा होता है तो उसे कुछ महसूस होता है, एक एक्सप्लोजन की आवाज़ भी आती है। इधर जाकर देखता है तो पूरा घर तबाह हो गया होता है, उस जगह तबाह हुई होती है, एक वार्निंग भी उसको मिली होती है जिसे देखकर वह एक डेमोनिक स्माइल दे रहा होता है और कहता चलो अभी कुछ एक्साइटेड है ना। इधर वह निकल जाता है जिससे कि वह उस सारे जो बैंडिट्स हैं उन जिसने कि मियो को किडनैप किया है उनको ख़त्म करने के लिए, इधर पहुंच जाता है उन दोनों गर्ल्स के पास में यानी टायो और यू के साथ में और कहता है चलो हमें जाकर रेस्क्यू करना होगा मियो के लिए। जो लीडर है उन सभी का बैंडिट्स का जिसने कि मियो को किडनैप किया होता है वो उसके अड्डे पर जाकर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर टायो और यू उनकी पावर जी काफ़ी ज़्यादा होती हैं और वह जाकर डायरेक्ट अटैक कर देता है उनके बॉस पर बिना किसी हिचक के यानी हिचकिचाहट के। इधर जाकर म्यू को पकड़ लेता है और उसको सेफली वहाँ से निकाल लाता है, लेकिन सिया यू और टायो होती सारी जगह को तबाह कर देते हैं। इधर वह गर्ल होती है यानी म्यू काफ़ी ज़्यादा अटैच अपने आप को पा रही होती है नगुमा के साथ में, इसीलिए वह उसको प्यार से पापा बुलाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वह रो रही होती है बिकॉज उसने इतनी ज़्यादा बार उसे प्रोटेक्ट भी किया होता है। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं एक न्यू सिटी की तरफ जिसके बारे में पूछते हैं आखिर क्या तुम सिटी के बारे में कुछ स्पेशल है, यानी मियो पूछती है तो बताता है कि हाँ बस 4 महीने पहले उस सिटी में एक बार जा चुका है। इसीलिए वे लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पर लाओ नाम का एक बंदा होता है, जहाँ पर गुल लीडर होता है जिसे हम पहले जानते हैं, उसे बात करता है नगुमो के बारे में और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम एंडिरू होता है, जो कि रिपोर्ट करता है कि जो डीमंस हैं उन्होंने अटैक कर दिया है यानी विलेज के ऊपर, विलेज काफ़ी खतरे में है। लेकिन मैं देखता है कि नगुमो वहाँ पर होता है तो इसीलिए वो उसे हेल्प मांगने लगता है जिससे कि वह हेल्प करे उस डीमन के खिलाफ, जिसके बाद बताता है कि काफ़ी हीरोज हैं वह भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसीलिए उसको हेल्प करनी चाहिए। जो हीरोज हैं वह जो डीमंस का ब्लड होता है उसको चेक कर रहे होते हैं कि आखिर उससे उन्हें कुछ पता चले, लेकिन वहाँ पर एक लेडी डीमन आती है और वो उन सभी को चैलेंज करती है कि उन सबसे फाइट करने के लिए, बिकॉज उसके सामने भी सब लोग वीक हैं, लेकिन सारे जो लोग होते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वे लोग फाइट करने तैयार होते हैं और वैसे ही वह अटैक कर देती है। लेकिन दिखाया था सुजुको होती है उसके मुंह से काफ़ी सारी ब्लीडिंग होने लगती है उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से, वे लोग उसको अटैक को रोकने लगते हैं, लेकिन जो अटैक्स होती हैं वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं उन लोगों के लिए। वे लोग देखते हैं कि और जो डीमंस हैं उनके सामने फाइट करने आ रहे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, खुद को रिकवर भी कर पा रहे होते हैं, जिससे कि उनके नैनो जिनसे भी फाइट की होती है अब तक की वे सारे डीमन से भी ये की काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं, इसी वे लोग साथ ही मिलकर उसे फाइट करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी जो कुकी होता है अटैक करने के लिए जाने लगता है उस मॉन्स्टर यानी डीमन की तरफ, अटैक भी कर देता है लेकिन उसका अटैक काफ़ी पावरफुल होता है, इसे ब्लॉक करने की ट्राई करता है लेकिन फिर भी वह वहाँ से मिस रहता है और जो अटैक होता है उसकी वजह से एक गर्ल जिसके ऊपर अटैक जाकर लगता है जिससे वह काफ़ी इंजर्ड हो जाती है। कावरी उसको देखती है और कहती है आखिर ये क्या, बिकॉज उसके उनके वजह से एक और उनके साथ ही अब इतना इंजर्ड हो चुका है। वह जाकर कुकी को उसको होश में लाती है कि आखिर वह कर क्या रहा है, उसको जाकर और फाइट करनी चाहिए ना कि इस तरह से टूटने का टाइम है। वह फाइट करने लगता है लेकिन एंड्रू नाम का जो बंदा होता है कैप्टन मेल्ट के पास जाकर फिर से उसे बताता है खबर देता है, लेकिन तभी पीछे से डीमन आता है तो उसको जाकर वह अटैक कर देता है और जो मेल्ट होता है वो और डीमन साथ ही फाइट करने लगा होता है। एक गर्ल पहले इंजर्ड हो गई होती है। इधर दिखाया जाता है नगुमो के पास में जहाँ पर सारे लोग होते हैं वे कह रहे होते हैं उन सभी लोगों से मतलब बचाना होगा, नगुमो से कहते हैं। जो डीमन गर्ल होती है एंड लेडी वह अटैक कर रही होती है, इसे मेल्ट होता है, वह काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड हो गया होता है और आखिरकार वह कॉलैप्स होकर मारा जाता है। बाकी सारे उनके जो कंपेनियन होते हैं गोइल्स की वह कहते हैं हमारे सारे लोग हैं उन सभी को हमें रेस्क्यू करना होगा, नगुमो को उसकी हेल्प करनी चाहिए। नगुमो कहता है सारे लोग उनको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना वे उनसे में से किसी को जानता भी है। इधर कुकी होता है वह अटैक करने जाने लगता है उस डीमन लेडी के ऊपर और उसके ऊपर एक हिट भी कर देता है जिससे काफ़ी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वह उसको ऊपर अटैक करने को होता है उससे पहले एक और बड़ा डीमन आता है जिस पर अटैक करता है लेकिन कुकी उसको ब्लॉक कर लेता है उसके अटैक को। इधर एंड्यूर होता है वह कहता है कि उसने हेल्प करने के लिए यानी हेल्प करने के लिए कहा था कि इस रेस्क्यू में हेल्प करेगा यानी नगुमो की बात कर रहा होता है पास्ट में। नगुमो होता है जिसने कि कहा था कि हाँ वो लोगों के रेस्क्यू के लिए हेल्प के लिए तैयार है। इधर दिखाया था सुकुरो होती है
मतलब सुजुकू वह अटैक के लिए जाने लगती है उस डीमन के ऊपर, लेकिन वो उसकी मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है जिस अटैक की वजह से डीमन से। लेकिन कावरी जाकर उसको हील करने की ट्राई करती है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। जो दोनों डीमंस होते हैं उस बैरियर को तोड़कर अब अंदर आ चुके होते हैं और वो उन दोनों को अटैक करने जा रहे होते हैं, और ये सब होने से पहले उसके ऊपर एक स्वाड आती है और दोनों डीमंस एक बार में ख़त्म हो जाते हैं, जिसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, डीमंस कैसे मारे गए। लेकिन तभी अचानक से काफ़ी स्मोक के बीच में से यानी धुंध में से एक उन्हें कोई व्यक्ति दिखता है, जिसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर कि जो नगुम होता है अटैक लिए गया होता है और मतलब फाइट करने के लिए, और अपने साथ में एक मैकेनिज्म लेकर गया होता है जो कि आसपास में जो डीमंस होते हैं उन सभी को अपने आप ही वह ख़त्म कर रहा होता है, और वह खुद ही पहुंच गया होता है एक जगह पर जिससे कि फाइट करने के लिए, और सारे लोगों से वह कहता है वहां से एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी जो लोग वहां से चले जाएं, और वह अकेला ही है जो कि सारे डीमंस हैं और वहां पर जो डीमन लेडी उसके साथ में फाइट करने वाला है। सेम ऐसा ही होता है, डीमन लेडी होती है उसकी एक्शंस को देख रही होती है, वह अकेला ही सारे डीमंस को तबाह कर रहा होता है, उसका मैकेनिज्म होता है वह उन सभी डीमंस को भी ख़त्म कर रहा होता है, जो कि काफ़ी फियर्स फाइट जा रही होती है। जो डीमंस हिडन होते हैं या फिर इनविजिबल होते हैं, वे डीमंस भी उसके मैकेनिज्म या उसके द्वारा नहीं बच पा रहे होते हैं, इसलिए डीमन लेडी होती है काफ़ी ज़्यादा ही डरने लगी होती है अब नगुमों से। नगुमों के सामने कोई भी डीमंस होते नहीं टिक पा रहे होते हैं। इधर सारे लोग देखते हैं और कहते हैं आखिर ये बंदा कौन है जो कि हमने पहले कभी नहीं सुना है और आखिर ये सबको तबाह कर रहा है। लेकिन उसके बाद सुनकर एंड्यूरो से बताता है कि वह एक बंदा है जो कि समन होकर आया था, इसका नाम नगुमो है, जो इस टाइम ब्रिज से गिर गया था, ये बंदा भाई है। लेकिन उसकी बात सुनकर हयामी देखता और कहता क्या सच में आखिर ये कैसे हो सकता है। इधर हजीम होता यानी नगुमो होता उसको आप हजीम बुला रहे होते हैं हर कोई, इसीलिए वह नहीं पहचान पाते कि वह नगुमो है। सारे लोग उसको देखकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि बंदा भाई है, इतना वीक था और अभी इतना पावरफुल हो चुका है। वह एक स्वार्ड समन करता है यानी कि स्टिक को, और वह फाइट के लिए तैयार होता है। इधर जो डीमन होती है उसका जो हीलर होता है उसको भी उसने ख़त्म कर दिया होता है, इसीलिए सारे डीमन सब मर रहे होते हैं, उनको हीलिंग के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। वह एक बहुत बड़े सर्पेंट को समन कर लेती है वह डीमन लेडी, तो अपनी एक स्टिक समन करके सुकून मतलब सुजुको को दे देता है और उन सबको ख़त्म करने के लिए कहता है। सुजुको फाइट के लिए तैयार होती है। इधर डीमन लेडी होती है वहाँ से जाने की ट्राई करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। नगुमो होता है वो उसके पास जाता है और उसे रोक लेता अपने गन की पॉइंट ब्लैंक पर। वह उसको कहता अब उसका टाइम ख़त्म हो चुका है और अब वह उसको ख़त्म करने वाला है। लेकिन डीमन लेडी होती है वह भी हार मानने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि वो कुकी होता है वो उसको रोकने की ट्राई करता है, मतलब उसे बात करने की ट्राई करता है कि बेकार जो अपने फ्रेंड की तरह यानी अपने क्लासमेट समझ रहा होता है, लेकिन वो उसको फुल्ली इग्नोर मारता है और उस डीमन गर्ल को शूट करता है, जिससे कि वह गर्ल होती है एंड डीमन गर्ल वहीं पर ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर सेज आती है कैप्टन मेल्ट के पास में और उसको देखती है कि वह लगभग मर चुका है, वो उन सभी को काम करता है यानी यू के लिए भी। और तभी दिखाया जाता है जो कावरी होती है नगुमो के पास में आती है और उसे थैंक्स कहती है उसकी हेल्प यानी उन सभी की हेल्प के लिए, उसे हक कर लेती है, जिसकी वजह से जो सिया और यू ही होती है वो काफ़ी यदि जेलस दिख रही होती हैं। बाकी सारे लोगों का भी सेम हिसाब होता है, वे लोग काफ़ी जेलस होते हैं इस माहौल के लिए। कुकी होता है नगुमो से बात करने की ट्राई कर रहा होता है कि वे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो उसकी हर बात को केवल इग्नोर ही मार रहा होता है और पूरे से इग्नोर मार को उसे जाने लगता है कि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। लेकिन कुकी जब भी ट्राई कर रहा होता है तो कोई फ़ायदा नहीं, नगुमो केवल उसको मनाही कर रहा होता है और उसको वह अच्छे से भड़क जाता है उस पर। इधर दिखाया था सारे लोग बाहर आते हैं तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं बाहर की साइड, जहाँ पर कि कावरी कहती है कि वह मतलब नगुमो के पास जाकर कहती है कि वह नगुमो को पसंद करती है, लेकिन नगुमो कहता है कि उसके दिल में केवल एक ही है वह यू ही है, यानी यू को ही वह पसंद करता है। लेकिन कावरी कहती है पास्ट से ही यानी जब स्कूल टाइम था तब से ही हम लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है। लेकिन यू कहती है यदि वह आना चाहती कावरी तो वह नगुमो के साथ में हमारे साथ ही आ सकती है। वह कहते हैं ठीक है बिकॉज वह अभी यहाँ से अलग ही सेपरेट होकर जाने वाले हैं, यदि कावरी चाहे तो उसके साथ आ सकती है। कावरी उसकी बात मानती है और लोगों के साथ में निकल जाती है। इधर सीन चेंज होता है, पॉप का दिखाया जाता है जो कि किंग के साथ होता है और जिनको सभी जो हीरोज हैं वो सेफली बच गए उसके बारे में खबर मिलती है। एक गार्ड आकर बताता है कि जो सभी हीरोज हैं वह यहाँ पर सेफली आ गए हैं पूरे डंजन से फाइट करने के बाद। जो प्रिंसेस होती है वह जाने लगती है उन सभी हीरोज के वेलकम के लिए। यहाँ पर सारे लोग आते हैं और बस सभी को देखती है, सभी लोगों के लिए अच्छा खाने का इंतजाम किया जा रहा होता है। तो सुजुको होती है वह बात करती है प्रिंसेस से और बताती है कि जो कावरी है वह अपनी मर्जी से ही नगुमा के साथ में चली गई, वह उसे पसंद करती थी इसीलिए उनकी जर्नी में सेफरेटी वहाँ से जा चुकी है। प्रिंस कहती है ऐसा है क्या। इधर जो क्योंकि होता है वह भी शांत काफ़ी बैठा होता है इस मतलब मैटर को सुन के बाद भी। सुजुको कहती है हाँ वह अपनी एक न्यू जर्नी पर गया है इन नगुमो, इसीलिए वो उसके साथ में निकल गई है। और सुजुको से उसने लास्ट टाइम मतलब सुजुको की लास्ट टाइम नगुमो से बात भी हुई थी जाने से पहले उसकी न्यू जर्नी पर। इधर दिखाया जाता है वे लोग निकल गए होते हैं और एक डिजर्ट में जा रहे होते हैं।
यहाँ पर यू होती है वे कायुरी से बात करती है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गर्म माहौल लग रहा होता है। उन दोनों की बहस चल रही होती है यानी कह सकते हैं नगुमो के लिए। पीछे जो सिया और क्या मतलब टायू होती हैं वे दोनों भी इसी बात पर बात कर रही होती है कि उन्हें इस तरह से बहस ना करती हुए सामने तरफ ध्यान देना चाहिए बिकॉज सामने तरफ उन्हें कुछ दिख रहा होता है। वे उसकी तरफ सामने तरफ जाकर देखती है तो दिखाया जाता है सामने कुछ सैंड बॉम्ब होती हैं जो अटैक करने लगते हैं, लेकिन उससे डॉच करते हुए गाड़ी को लेकर नगुमो उतर जाने लगता है। लेकिन वहाँ पर और भी काफ़ी सैंड बॉम्ब आने लगते हैं तो काफ़ी सारी मिसाइल यूज करता है अटैक करने के लिए, लेकिन उन सभी सैंड बॉम्ब के सामने कुछ भी नहीं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो इसीलिए बड़ी स्नाइफर यूज करता है और वे एक सैंड बॉम्ब को तो खत्म कर देता है जो रास्ते में आ रहा होता है। और जहाँ पर रास्ते में उन्हें एक बंदा मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होता है तो वह सोचता है हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा, लेकिन म्यू की भी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए कायरो होती है वह कहती है ठीक है, वो उसको जगाने की यानी हील करने की ट्राई करती है, वो उसके ऊपर अपना हीलिंग मैजिक यूज करती है जो कि अब तक वह सीखी हुई है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन वह मैजिक उस पर खास काम नहीं कर रहा होता तो इसीलिए उसको माना मैनिपुलेट करती है जिससे कि वह उसको दोबारा से कॉन्शियसनेस में ला सके। इस तरह से वह कई बार ट्राई करती है अपनी सभी स्किल को यूज करती है और धीरे धीरे करके उसी कंडीशन को अब रिकवर कर देती है। काउरी कहती है उसकी जो कंडीशन है वह धीरे धीरे करके अब रिकवर हो रही है और अब वह उसकी जान है वह भी बच जाएगी। नगुमो कहता है ठीक है, अभी के लिए तुम्हारी जो स्किल्स हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, वह किसी भी डिसीज या फिर पॉइजन को प्रिडिक्ट कर सकती हैं। इधर दिखाया तो बंदा होता है उसको अब होश आ गया होता है, वह कहता आखिर ये क्या चल रहा है। वे लोग उसको साथ में लेकर जाने लगते हैं तो नगुमो से पूछता है कि आखिर वे डिजर्ट में क्या कर रहा था, तो उसको बताता है कि उसका नाम बाइज है। वह बताता है कि डुकडम ऑफ मतलब अंकाजी से है वह, जिसे एक विलेज से है जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा ही पॉइजन उसके विलेज में फैल चुका है यानी प्रदूषण कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फैल गया है जिसकी वजह से काफ़ी पॉइजनस हो रहा है, जिसीलिए वह उसका एंटीडोट ढूंढने के लिए हेल्पफुली निकला था यानी हेल्प चाहता है। वह चाहता है कि नगुमो है वह भी उसकी हेल्प कर सकता है यदि तो उसकी विलेज की हेल्प करे। नगुमो उसकी बात सुनता और कहता ओ ये सच में काफ़ी हार्ड है लेकिन अब वह क्या करे, वह उसकी बात को मान ही लेता है उसकी हेल्प करने के लिए। इधर दिखाया था फ्रेड और मैकेल नाम के दो डीमंस होती हैं वह भी, और जो कि बात कर रहे होते हैं हारने के बाद में वे कह रहे होते हैं कि उनको एक गॉड ऑफ लाइक पावर चाहिए जिससे कि उन्हें अपनी पावर को इन्हांस करने के लिए। वे लोग पता चलता है उसकी जो डीमन लेडी थी वह अब हार चुकी है, वे भी इनके साथ थे। इधर सीन चेंज होता है दिखाया जाता अंकाजी सिटी का जहाँ पर वे पहुँच जाते हैं, यहाँ पर वह डायरेक्ट बात करता है लंजवी से जिससे कि वह कहता है यहाँ की जो नदी है उससे वह देखना है यहाँ पर उस पॉइजन के बारे में जानना चाहता है। यू अपनी स्किल यूज करती है और वाटर को एक सेफ देती है और वह कुछ ग्रेनेड्स यूज करता है जिससे कि जो मॉन्स्टर उसके अंदर पॉइजन फैला रहा है उसको वह वहाँ से निकाल सके। सेम वे यूज करता है जहाँ पर एक स्लाइम टाइप एक मॉन्स्टर होता है स्लाइम टाइप जिसको वह साम साम निकाल देता है, लोग उसको देखते हैं और जिससे कि काफ़ी बड़ा होता है। वो उस पानी को चेक करते हैं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा ही प्योरीफाइड हो चुका होता है उस स्लाइम टाइप मॉन्स्टर के निकलने के बाद। सारे लोग होते हैं उस वाटर को देखते हैं और कहते हैं चलो ये काफ़ी अच्छा है, और वे लोग उसे थैंक्स कहते हैं जिसे उन्होंने इतनी ज़्यादा हेल्प की उनके विलेज के लिए, और वहाँ से उनको लेकर चले जाते हैं। और वह नगुमो के बारे में सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि ये है नगुमो जो कि अभी से ग्रोडा वोल्केनो है, उसके स्पिरिचुअल स्टोन से माइनिंग का पूरी जिम्मेदारी उनको मिलती है। इधर काउरी कहती है कि वह म्यू को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखेगी, उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी वह ले रही है। इधर वे लोग निकल जाते हैं वोल्केनो की तरफ बिकॉज ये पॉइजनस है, वोल्केनो का भी काफ़ी बड़ा हाथ इसमें है पॉइजन फैलाने में। इधर दिखाया जाए लोग जा रहे होते हैं तो वोल्केनो अंदर देखते हैं जहाँ पर कि जो स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं वहाँ पर काफ़ी कम होती हैं। नगुमो कहता है शायद कोई और है जो कि इन सारे मिनरल्स हैं उनको यहाँ से माइन करके ले आ चुका है यानी स्पेशल स्टोन्स को। इधर अंदर तरफ जाते हैं जैसे कि और उन्हें कुछ और पता चल सके मिनरल्स के बारे में, लेकिन जब अंदर जा रही होती है तो उनके ऊपर एक फायर से अटैक होता है, लेकिन यू होती है उसको वहीं की वहीं ख़त्म कर देती है और जिसके सामने एक लावा का बुल आता है जिससे कि फायर के तैयार होते हैं। लेकिन उससे पहले सिया कहती है कि वह उसको जाकर देखती है इसलिए हैमर लेकर चली जाती है और एक अटैक करती है, वह पूरे बुल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर वे लोग जगह बैठ जाते हैं जहाँ पर की बात करने लगते हैं यानी जो टायो होती है वह बात कर रही होती है नगुमो की स्किल्स के बारे में यानी जो पहले फाइट हुई थी जहाँ पर कि उसने अपने जो टीममेट्स एंड क्लासमेट्स थे उनको बचाया था, जो उसकी स्किल्स हैं कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई हैं, उसको कुछ ज़्यादा एम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है जो कि शायद उसकी जो प्रैक्टिस करता है उसकी वजह से इसे इम्प्रूव होती जा रही हैं, स्किल हैं काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल पहुँच रही हैं। इधर सीन चेंज होता है और वे लोग जा रहे होते हैं एक नाव द्वारा एक वोल्केनो में जहाँ पर नदी सी बह रही होती है लावा की, जिसके अंदर वे नीचे पहुँच जाते हैं और जहाँ पर उनको एक काफ़ी बड़ी एक बिल्डिंग सी
दिखती है। वह कहता है ये हमारी डेस्टिनी आ चुकी है, इसके अंदर हमें काफ़ी सारे स्पेशल स्टोन्स हैं मिल सकेंगे। वे लोग काफ़ी एक्साइटेड होती हैं उसके लिए। नगोमो होता है वह कहता है टाइम वेस्ट ना करते चलो चलते हैं, लेकिन उनके सामने काफ़ी सारे लावा मॉन्स्टर्स या फिर स्नेक्स आ जाते हैं। नगोमो कहता ठीक है उन सबको पहले ख़त्म करना ठीक है, ये कहकर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वह उन स्नेक को ख़त्म करता जा रहा होता है वहाँ पर गिनती उनकी और भी बढ़ती जा रही होती है। वह कहता ठीक है जैसे कि उन सभी को ख़त्म करना है, सभी लोगों से कहता है तो सभी लोग अभी काम पे लग जाओ, अभी कुछ हम सभी लोगों को मिलकर उन सभी को ख़त्म करना होगा। जो गर्ल्स होती हैं इस बात सुनकर तो काफ़ी कंपटीशन में आ जाती हैं और कहती हैं ठीक है, ये क्या अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। जो भी सर्प्स होते हैं यानी सर्पेंट्स होते हैं उन सभी को वह मिलकर ख़त्म करना स्टार्ट करती हैं, जो कि अभी धीरे धीरे करके केवल 5 से 6 ही बच्चे होते हैं उन सभी के डिस्ट्रक्शन के बाद। जहाँ पर कि नगोमो होती है मतलब सिया होती है अब एक को और डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर दिखाया जाता है नगोमो का जो अपने गन से शॉट करता है जिससे कि एक बच्चा होता है लास्ट, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक व्हाइट कलर की बीम आकर गिरती है जिससे कि काफ़ी बड़ा एक ब्लास्ट होता है। और नगोमो उसको रोकने की ट्राई करता है अपने ऊपर अटैक आने से, लेकिन वह वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। यू ही आकर उसको देखने लगती है, टाई होती है वो उस अटैक से बचने लगती है, जो और अटैक्स आने लगते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहे थे उन्हें सील बना लेती है। लेकिन वहाँ पर वह बंदा आ जाता है फ्रीड और जिसके साथ में एक ड्रैगन भी होता है। लेकिन तभी नगोमो को भी होश आ जाता है और वह पूछता है कि आखिर वह बंदा है कौन जो यहाँ पर इस तरह से अटैक कर रहा है। फ्रीड होता अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है और वह कहता है कि वह गेट्स ऑफ सॉप्स है, जो कि यहाँ पर अभी उसे पनिशमेंट देने के लिए आया है, जो कि यहाँ पर वह रूल्स तोड़ रहा है। लेकिन उन सभी की बात सुनकर मतलब उसकी बात सुनकर नगोमो कहता है यदि वह उसके पथ में यानी रास्ते में आने वाला है तो फिर तो वह उसका एनमी है, इसलिए वह उसके मेरे ऊपर अटैक कर देता है। इधर जो फ्रीड होता है वह भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन नगोमो होता है उसके अटैक को रोकने लगता है। टायो सोचने लगती है कि सच में उसको अभी अपने मास्टर की हेल्प के लिए जानी चाहिए, बिकॉज उसके फादर ने कहा था कि जो ड्रैगन्स होते हैं वे गॉड्स के एक एनमी माने जाते हैं। तो वह सोचती है चलो तो मुझे मास्टर की हेल्प करनी चाहिए, कि अपने आप को एक फियर्स ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसको काफ़ी ज़्यादा ही डरने लगता है फ्रीड देखकर कि सच में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, इसलिए अपने ड्रैगन को सामने लेकर आता है फाइट करने के लिए, उस पर अटैक कर देता है। उसे पता होता है जो सामने उसके जो ड्रैगन है वह कोई आम ड्रैगन नहीं है, इसीलिए दोनों अटैक करते हैं, लेकिन वह अटैक ओवर पावर कर देता है फ्रीड के ऊपर। लेकिन दिखाया जाता है नगोमो होता है एक अटैक तैयार करने लगता है और फ्रीड पर आकर अटैक कर देता है, लेकिन जिस अटैक की वजह से जो फ्रीड होता है अपने ड्रैगन्स के साथ में वहाँ से एस्केप करने में कामयाब रहता है उस अटैक के बाद भी। जिधर नगोमो होता है अपने और अटैक्स को तैयार करने लगता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन इतने सारे एग्जेशन की वजह से वह नीचे की तरफ गिरने लगता है लावा में, जहाँ पर कि टायो देखती है उसको तो जाकर स्पीड से उसको पकड़ लेती है, उसके बचा लेती है। फ्रीड देखता है कि सच में उसने अंडर एस्टिमेट किया था नगोमो के लिए, वह बंदा इतना ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं है जितना कि उसने सोचा था, लेकिन अभी उसके पास में कुछ प्लान्स हैं, नगोमो को उसे ख़त्म करना होगा। इधर वह लावा में से कुछ मैजिक यूज करता है जिसकी वजह से काफ़ी लावा होता है ऊपर तरफ आने लगता है अटैक करने के लिए। नगोमो कहता है टायो से कि वह उसको लेकर उन लोगों को लेकर यहाँ से चले जाए और काउरी को और मियो से कह देना कि वह उसे बाद में मिलेगा, यानी उस लोगों को अभी वहाँ से एस्केप करने के लिए कहता है अकेले में ही। इधर जो टाई होती है वह वहाँ से स्पीड से जाने लगती है ऊपर की तरफ जो होल होता है उसे इन वोल्केनो का। जब भी फ्रेड उसे देखता है और कहता है उसको वह नहीं जाने देगा, लेकिन आश्री होती है उस पर अटैक कर देती है, यानी उसको मैकेनिज्म होता है बाहर अटैक कर देता है जिससे कि वह बच जाती है। इधर काउरी को महसूस होता है कि लगता है वोल्केनो में कुछ तो गड़बड़ है, इधर वह तो वहाँ से निकल जाती है यानी टायो। इधर दिखाया जाता है सुजुकू जो कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है और सोच रही होती है अभी उस डीमन से उसका सामना हुआ था, डीमन लेडी से, जहाँ पर कि नगोमो ने हेल्प की थी। लेकिन तभी उसके पास में एक कैट आ जाती है जिसकी वजह से अपनी ट्रेनिंग को वह रोक देती है। लेकिन लिलियाना जो कि प्रिंसेस होती है उससे आकर बात करती है उसकी ट्रेनिंग के बारे में, यानी खास तौर से कहें तो नगोमो ने जो हेल्प की थी उनकी उस डंजन में उसके बारे में बात कर रही होती है नगोमो के बारे में। सुजुकू होती है वह उसके साथ में इसी बारे में बात कर रही होती है कि नगोमो की जो सिचुएशन है। इधर सीन चेंज होता है और दिखाया था हयामी का जो कि एक जंगल में आया होता है जहाँ उसको एक गर्ल की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, उससे बात कर रही होती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा ही भड़क रहा होता है। इधर वह कुछ टाइम और बात करता है तो उसे पता चलता है जो सामने जो बॉयस आ रही है वो उसके सामने एक डील करना चाहती है, यानी डील के लिए एक ऑफर देती है जिसमें कि दोनों लोगों का ही फायदा होने वाला है। उसकी बात सुनकर हयामी एक्साइटेड दिख रहा होता है या फिर कैसे इंटरेस्टेड दिख रहा होता है उस डील में। इधर दिखाया जाता है टायो होती है वह पहुंच गई होती है सिटी गेट पर, लेकिन वह ह्यूमन में बदलकर अनकॉन्शियस हो जाती है। काउरी उसको देख लेती है और वहाँ से लेकर चली जाती है और कहती बाकी सारे लोग कहाँ गए। इधर सीन चेंज होता है कुछ टाइम बाद टाओ होती है
उसको अब होश आया होता है और बताती सारे लोग हैं भी लोग वहीं रुक गए हैं कायोरी मतलब नगुमो के साथ में। नगुमो ने कहा था तुम लोगों से कि भैया बाद में मिलेगा, उसका मतलब है बाद में ज़रूर मिलेगा। कहते ठीक है हमें उनके साथ में उसका वेट करना होगा और मियो के साथ में उनके साथ जाना होगा। इधर दिखाया जाता है नगुमो का जो कि एक जगह होता है और यू के साथ में और वह सोच रहा होता है इन बताता है कि आखिर यहाँ पर किस तरह से आ गए हैं, यानी जब उनके ऊपर अटैक हुआ था उस लावा से तो वे लोग वहाँ से एस्केप करने लगे थे साथ में ही, जहाँ पर उनको जो बिल्डिंग दिख रही थी उसके अंदर ही चले आए जहाँ पर कि वह सर्वाइव करके पहुँच गए, जहाँ उनको एक बीच में एक सर्कल सा मिला था जिसके वे बीच में गए उस सर्कल को एक्टिवेट किया और वे कहने लगे कि शायद ही उसकी आखिरी होप हो सकती है और जहाँ पर एक स्क्रिप्चर लिख कर आ रहा होता है जिसको वह रीड करते हैं और जहाँ पर से उनको एक टोकन सा मिलता है और जिसे उन्हें पता चलता यानी कहें तो यही उनकी विक्ट्री है। और वह कहता ठीक है अब हमको यहाँ पर इस लावा के अंदर ही जाना होगा जो और वाटर में अंडरग्राउंड होते हुए निकलना होगा। वह अपनी सिप यूज करता है बिकॉज हर जगह से वो कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है उसकी स्किल के अकॉर्डिंग ही, इसीलिए वह सिप यूज करता है लावा में और वहाँ से जाने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है लावा में लेकर जाना। इसीलिए वे लोग कहता ठीक है और वहाँ से अपने प्लेन को लेकर वहाँ से अब उड़ जाता है और पहुँच जाते हैं एक समुद्र के बीच में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए। लेकिन वहाँ पर कुछ और सी ह्यूमंस होते हैं या फिर कह सकते हैं कुछ भी मरमेड टाइप वे आकर अटैक करते हैं, लेकिन वे लोग उसे आसानी से डील कर लेते हैं और यहाँ पर मियो काउरी और टायो भी आ जाते हैं। इधर वह काफ़ी खुश होता है उन लोगों से मिलकर, सारे लोग यूनाइट हो जाते हैं और पहुँच जाते हैं न्यू किंगडम की तरफ जो कि सिटी में मतलब सी के अंदर होता है जहाँ पर उसका क्वेस्ट पूरा हो गया होता है मियो को लेकर आने का। मियो अपनी मदर से मिलाने के लिए लेकर जाते इसका नाम रेमिया होता है जिससे वह मिलाती है, लेकिन रेमिया के पैर में इंजरी होती है तो इसलिए वह उसको लेकर जाने लगता है उसको हील कराने के लिए। जहाँ पर कावरी होती है वो उसकी इंजरीज को हील करती है और कहती है उसको कम से कम 2 दिन का तो रेस्ट करना चाहिए जिससे कि उसकी जो इंजरी है ठीक हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना फैलेगा। इधर उसकी मदर होती है रीमिया की, वह उससे कहती है आखिर उसके रिलेशनशिप के बारे में क्या, तो वह कहता नहीं नहीं नहीं, वह बस उसको फादर कहती है लेकिन वह उसको नहीं लेने वाला इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इधर दिखाया था एका होती है जो कि एगा से मिलती है और उसे बात करती है और एका को देखकर वह कहती है क्या उसकी इंजरीज अभी वह ठीक से हील हो रही हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा अब डिफरेंट लग रही है जब से कि वह नगुमो से मिली है जो कि उसे काफ़ी अजीब भी लग रहा होता है। वह कहती है ऐसा कुछ नहीं है जब से कि उसे मिली है। वह कहने लगती है नगुमो है वह सच में काफ़ी डिफरेंट जा रहा है, उसका जो पथ है बिल्कुल ही अलग है। नगुमो है जो कि उन चर्च हैं और बाकी गॉड्स उन सभी लोगों के खिलाफ भी जा रहा है, यानी कहीं तो किंग है उनके खिलाफ भी जा रहा है, इसीलिए किंग है और जो पॉप हैं वे उसके साथ खिलाफ जा सकते हैं, जिससे उनको चिंता हो रही होती है नगुमो के बारे में बिकॉज उनकी जो हीरो की पार्टी है वह उनसे बिल्कुल ही अलग जा रहा है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। इधर सीन चेंज होता है नगुमो को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके पास में कावरी आती है और जो बैठे होते हैं, अब शाम हो गई होती उनको जो पेंडेंट मिला था नेस्ट गेट के लिए तो वह उसको यूज करता है जिससे चांद की रोशनी चमकती है और उसे एक लाइट जाती है। वे कहते हैं ओ तो आखिरकार इसका जो काम है अब शुरू हो गया है, चलो हमें अभी चलना चाहिए। जहाँ से कि वह लाइट जा रही होती है वो उसका पीछा करते हैं और अपना सिप यूज करके उसी तरफ जाने लगते हैं, जिससे वे काफ़ी माउंटेन्स के बीच में पहुँच जाते हैं जहाँ पर अपना न्यू वेपन मिसाइल्स यूज करता है जिससे कि वह काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर नेक्स्ट आगे तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें लास्ट 5th सिग्नल मिला होता है जहाँ पर कि फिर से उसी पेंडेंट को यूज करता है जो उसे मिला था, जिससे कि फिर से एक लाइट निकल के जाती है और वहाँ पर एक गेट खुल जाता है जो गेट अंदर अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जा रहा होता है, जिसके अंदर वह सिप लेकर चला जाता है अंडरग्राउंड वाटर के अंदर। जहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक अंडरग्राउंड जगह होती है जहाँ पर सेफली होती हैं, लेकिन उसने यू को उठा रखा होता है इसलिए दोनों गर्ल देख रही होती हैं उस तरफ और हंस रही होती हैं कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर तभी उनके बीच में एक आ जाता है स्लाइम टाइप एक मॉन्स्टर जो कि अटैक करने लगता है, लेकिन सिया उस पर अटैक करती है कोई फायदा नहीं होता, वे सारे बेकार होते हैं। तो यू होती है वह एक बैरियर बनाकर उन्हें रोकने लगती है लेकिन वह भी उस बैरियर को नहीं रोक पा रहे होते हैं। इधर मॉन्स्टर होता है जेली की तरह समय बिगड़ता जा रहा होता है, एक लिक्विड टाइप जिस पर मैजिक अटैक्स होते हैं कोई भी कुछ काम नहीं खास आ रहे होते हैं, इसीलिए जो मॉन्स्टर होता है अपने असली रूप में आने लगता है इकट्ठा होकर। जो नगुमो होता है वो उसके ऊपर अपने अटैक करने लगता है और से आखिरकार बार बार अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन फिर से वह दोबारा से रीजनरेट हो जाता है अटैक करने के लिए। वह सोचने लगता है नगुमो को उसका जो कोर है वही है शायद सबके पीछे, उसको डिस्ट्रॉय करके वे उसको रोक सकते हैं। उस पर अटैक करता है लेकिन वह अटैक भी उस पर अभी कुछ काम नहीं आ रहे होते हैं। उधर उसके सामने एक टोर्नेडो से देखता है वाटर में जिसकी वजह से भी लोग वहाँ से एस्केप कर सकते हैं। सेम होता है वह कावरी को लेकर एस्केप करके पहुँच जाता है एक जगह पर जहाँ पर केवल 2 ही लोग होते हैं। मैं उससे कहता है उसको ध्यान रखना चाहिए अपने के बारे में भी कुछ, हम लोग अभी मिशन पर कह सकते हैं मिशन पर हैं, खतरे में हैं। इस तरह से भी तुरंत ही जगह होती हैं धीरे धीरे चेंज होती जा रही होती हैं, उनके चारों तरफ एक इल्यूजन सा फैलता जा रहा होता है। उधर दिख रहा होता है काफ़ी सारी मैजिक अटैक्स होती हैं जो कि उन पर हो रही होती हैं, जिन पर केवल मैजिक अटैक ही वर्क कर रहे होते हैं।
पहले वो देखते हैं एक शिप पर आ चुके होते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे अनडाइट्स होते हैं जो उन पर अटैक करने लगते हैं, जिसके साथ वे लोग फाइट करते हैं और कहते हैं ये सब एक इल्यूजन है जो कि उनके केवल दिख रहा है, हमें इसके लिए थोड़ा देखना होगा, इसे पीछे छुड़ाना होगा। इसीलिए इस फाइट में मतलब फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ टाइम फाइट करने के बाद वे लोग जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि नगोमो होता है, बात करने लगता है। काओरी नगोमो दोनों होते हैं तो दोनों ही बात करने लगते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में, यानी यू के बारे में बताता है कि जब से यू मिली है मैं हमेशा इसे उसको प्रोटेक्ट करती आई है, इसीलिए वो उसको पसंद भी करता है और वह उसको थोड़ा अपना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए भी कुछ। हाँ, वो उसकी फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करता है कि उसे पसंद करती है, लेकिन उसके हार्ट में केवल यू है जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है। उसकी बात सुनकर वह शॉक्ड जाती है। फिर रेखा होती है जो एक नन के पास में आई होती है और वह नन होती है, उसको देखकर कहती है यदि उसके अंदर पोटेंशियल होगा तो सच में काफ़ी यदि अच्छा होने वाला है उसके लिए भी। रेखा होती है काफ़ी शॉक्ड होती है उसकी बात सुनकर, वह कहती है यदि उसके अंदर पोटेंशियल है तो उसका वेस्ट नहीं जाने वाला है, उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी आगे जाने वाली है। इधर हमें सीन चेंज होकर फिर से दिखाया जाता है मतलब हर नगुमो का जो कि कह रहा होता है काओरी से कि सच में वह केवल जो मतलब उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको सच में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, लेकिन जो यू है वो उसके हार्ट में अलग ही जगह पर है, यानी इकलौती गर्ल जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है। इस तरह की लवली डबली बातों को छोड़कर वे लोग अब वो आ गए होते हैं मेन टॉपिक पर। वे कहते हैं हमें अभी आगे चलकर देखना चाहिए, जिनके सामने पूरी एक शिप होती है जिस पर कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, जहाँ पर ह्यूमंस और बीस्ट टाइप्स जो लोग होते हैं बीस्ट ह्यूमन बेबी होते हैं, और जो कि ये सब भी एक इल्यूजन ही होता है। ये सब देख रहा होता है लेकिन तभी दिखाया था वहाँ पर जो किंग होता है वह आता है और जिसको नगुमो देखता है और कहता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन किंग सभी को स्पीच देता है लेकिन अचानक से सबसे रिएक्शन चेंज होते हैं और वह कहता है सारे बीस्ट मैंस होते हैं उन सभी को ख़त्म करने के लिए गॉड हित के नाम पर। इधर वह देखकर जो काओरी होती है वह काफ़ी ज़्यादा ही डरने लगती है इतने खून खराबे को देखकर। एक वूमन होती है जिसकी नज़र काओरी की तरफ जाती है और उसे नोटिस करती है। नगोमी कहता है एक इल्यूजन है जो कि अब ख़त्म हो चुका है, तुम इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लडी लगा होता है इसीलिए उसको मतलब बहुत ज़्यादा ही दिल पर ले बैठी होती है। इधर वह कह रही होती है सच में काफ़ी यदि ब्लडी है आखिर ये कैसे कर सकता कोई भी, तो वह कहता ये लोग हैं जो कि गॉड्स के नाम पर ये सब कर रहे हैं, इन बीस डीमन से उनके खिलाफ अपनी जो नफरत है उसको फैला रहे हैं फिर ख़त्म कर रहे हैं। जब सामने तरफ जाते हैं तो बहुत ही स्पीड से एक बिंड आती है जिसे काओरी होती है पीछे तरफ चली जाती है। नगोमी उसे रोकने की ट्राई करता है, जब पीछे जाकर देखता है तो पीछे से काओरी आती है लेकिन उसकी प्रेजेंस उसको काफ़ी अलग लग रही होती है, बिकॉज वह किसी और के द्वारा पोसेस्ड होती है। तो वह कहता आखिर वह कौन है अभी कि अभी काओरी को जाने के लिए, लेकिन वो उसको डराता है और आखिरकार काओरी होती है उसकी बॉडी को वह फ्री करा लेता है जिससे काओरी सेफ होती है। इधर वह उसको किस कर लेती है एक इमोशनल तौर पर और उसको अपना लव होता है वह कन्फेस करती है, बिकॉज नगोमी ने भी कभी नहीं कहा है कि वह काओरी को हेट करता है, वह बस ये कहता आया है कि वह यू को पसंद करता है। इधर उन्हें एक सिग्नल मतलब एक सर्कल सा देखता है जिससे वह टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं बाहर की तरफ जहां पर उनके सारे टीममेट्स होते हैं वह भी पहुंच गए होते हैं और वे लोग एक दूसरे को देखते हैं और दोनों से पूछते हैं अपनी जर्नी के बारे में कि कैसा रहा। उसके बाद में टायो आती है और पूछती है कि उसकी जर्नी के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बताती है, जिससे सारी गर्ल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा जेलस लग रही होती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर एक गर्ल आती है जो कि गॉडेस होती हैं और वह कहती हैं गॉड्स पर ज़्यादा बिलीव ना करें यानी उन पर भरोसा ना करें बल्कि वह खुद की इंटेंशंस पर अपनी इंटेंशन से काम ले, गॉड्स को ये सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और तभी उनको फोर्सफुली एक लेबरिन में भेज दिया जाता है जो कि ट्रीज की लेबरिन होती है, लेकिन वहाँ से यू ही होती है टेलीपोर्ट करके दूसरी तरफ ले आती है लेकिन उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जेली टाइप मॉन्स्टर अटैक करने लगता है। तो नगुमो कहता है कि उसका थोड़ा टाइम की जरूरत होगी, जो जेली मॉन्स्टर है वो बार बार रिजनेट होता रहेगा इसीलिए उसको 3 मिनट के टाइम चाहिए अपने आप को तैयार होने के लिए। लेकिन काफ़ी सारी शार्क आकर उस पर अटैक कर देती हैं। वहाँ पर भाई येल्लो फिस आती है जो कि नगुमो की पहली फ्रेंड थी बिकॉज उसने उसे बचाया था उस मतलब एक्वेरियम से। मैं उसको कह रही होती है यहाँ पर इसलिए हेल्प के लिए आई है और उतनी सारी शार्क उनको अटैक के लिए भेजा है। 3 मिनट हो जाते हैं और उसकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है और वह अटैक कर देते हैं काफ़ी सारी मिसाइल से और जहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सुको का दिखाया जाता है जो कि सभी लोग होते हैं यानी सारे स्टूडेंट जहाँ पर कमांडर भी एंड कैप्टन भी होते हैं वे लोग चिंता कर रहे होते हैं सेंसी के बारे में। इधर दिखाया तो सेंसी होती हैं उनको एक जगह किडनैप कर लिया गया होता है। इधर मियाँ होती है आकर जगाती है डगोमो के लिए और सुबह के टाइम और वे लोग खाना खा रहे होते हैं, वो कहती है खाने के लिए वे लोग काफ़ी यदि हैप्पी होते हैं अपने मिशन के बाद। अब उसी जगह पर आ चुके होते हैं जहाँ पर सारे लोग होते हैं उस समुद्र में स्विमिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। इधर नगुमो जगह बैठा होता है तो मियो की मदर आकर उसको थैंक्स कहती है कि उसकी डॉटर की इतना ज़्यादा ख्याल रखा और इतनी ज़्यादा हेल्प की उसकी, सच में थैंक यू सो मच, वह सच में बहुत कुछ कर चुका है। लेकिन शाम का टाइम होता है, वह मियो को बताता है कि अब उसके जाने का भी टाइम हो चुका है,
और वे सारी गर्ल्स को बुलाकर भी कहता कि हमारी ट्रिप अभी यहाँ से ख़त्म होने वाली है, हमको जाना होगा और हमें जल्द से जल्द मैं सब तुम सभी को भी जापान वापस लेकर जाऊँगा। लेकिन तभी बीच में आकर म्यू इंटरप्ट करती है और कहती डिनर तैयार हो गया है। नेक्स्टी का सीन दिखाया जाता है, सारे लोग तैयार होते हैं यहाँ से जाने के लिए। इधर दिखाया जाता है लिली जो कि दौड़ती हुई जा रही होती है और किसी को एक मैसेज देने के बारे में सोच रही होती है जो उसने देखा था। इधर दिखाया था यामाका जो कि ये जगह होता है गर्ल के साथ में बात कर रहा होता है नगुमो के बारे में। इधर दिखाया था सेंसी होती है, इनको किडनैप कर लिया गया होता है उस गर्ल द्वारा एंड लेडी द्वारा और वह सोच रही होती है और कह रही होती है नगुमो जरूर आएगा उसकी हेल्प करने के लिए। इधर दिखाया था डीमन लॉर्ड फ्राइड के बारे में जो अपनी पूरी आर्मी को तैयार कर रहा होता है कि वह सभी लोग मिलकर एक बार में अब नगुमो का सामना करने वाले उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इधर दिखाया था कैंटर मेल्ड का जिसको पता चलता है कि बॉयड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसीलिए करीब 30% किंगडम उससे अफेक्टेड है और इसी लेकिन अभी जो किंग का पैलेस वगैरह है वह सब कुछ अभी भी सेफ है इसीलिए कैप्टन मेल्ड दूसरे सोल्जर से कहता वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करे इस बॉयड के बारे में। इस जगह बैठ कर बात कर रहे होते नगुमो और उसके कॉरपोरेशन के बारे में। लेकिन तभी वहाँ पर यामा आता है और वह कुछ बात करने वाला होता है उसे ज़रूरी, लेकिन तभी वहाँ पर नॉक होती है और वहाँ पर एक सोल्जर आता है जो कि जैसे ही कैप्टन मेल्ड को देखता है वो उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है उनकी मतलब कुछ बात करने से पहले ही। लेकिन पीछे से आकर तभी यामा अटैक कर देता है जब वो उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं या रोक रहे होते हैं और तभी वह अपने मैजिक यानी विंड मैजिक अटैक करते हैं जिससे कि दोनों से वह पीछे छुड़ाकर पीछे आ जाते हैं। लेकिन देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे और सोल्जर्स भी आ गए होते हैं लेकिन वे सोल्जर्स होते हैं मेल्ड की तरफ ही अटैक करने के जा रहे होते हैं तो वे एक मैजिक अटैक यूज करते हैं जैसे कि उन सबसे पीछे छुड़ा सकें और सबको ढेर कर देते हैं। लेकिन ये क्या सारे जो सोल्जर्स को उसने अभी ढेर किया था वह सारे ही जाग जाते हैं मतलब खड़े हो जाते हैं लेकिन वे सब लोग अपनी कॉन्शियस में नहीं होते हैं, उनका ब्रेन वॉश पूरी तरह से हो चुका होता है। वह सोचने लगता है इससे तो अच्छा यहाँ से निकल जाएं। वे लोग उसे सरेंडर करने के लिए कह रहे होते हैं लेकिन वह खिड़की तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। वह मैजिक से डिफेंड करने की ट्राई करता है लेकिन तब उसको एक आवाज़ आती है और उस हवा में एक गर्ल उड़ती हुई दिख रही होती है। लेकिन तभी पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जिस गर्ल से बात कर रहा था, वह गर्ल उससे कह रही होती है किंग का जो चांसलर है वह भी अपनी सारी मेमोरीज खो चुका है या फिर कहें तो वह भी उसके लगभग कंट्रोल में आ चुका है और जिस फ्यूचर को डेवलप करने की उसने इच्छा की थी वह फ्यूचर उस तरह का ही होने वाला है। इधर सीन चेंज होता है और नगुमो को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे साथियों के साथ में जा रहा होता है। लेकिन तभी सामने देखते हैं कि कुछ बैंडिट्स होते हैं जिन्होंने कुछ मैजिशियन को घेर रखा होता है लेकिन जो बैरियर बना रखा होता है उन मैजिशियन को वह अब टूटने लगा होता है। लेकिन तभी नगुमो अपनी गन से यूज करता है और स्नाइपर से सारे बैंडिट्स को मार देता है। जो मैजिशियन घायल थे उनको कावरी जाकर हेल्प करती है। मलिली आती है और कहती है ओ नगुमो काफ़ी अच्छा है कि तुम्हें देखकर तुम अभी जिंदा हो। वह कहता है लेकिन वह है कौन, तो वह रोने लगती है कि वह सच में उसे नहीं जानता, वह प्रिंसेस लिली है इस किंगडम की और बताने लगती है आयोका सेंसे हैं वह किडनैप हो चुकी हैं। ये बात सुनकर नगुमो काफ़ी शौक होता है आखिर कैसे हुआ। वह बताने लगती है कि वह यहाँ पर आई है, वैसे तुम लोग बेस्ट की तरफ जा रहे हो ना तो मैं भी उधर की तरफ चलती हूँ। वह बताती हैं टीचर थी वह इस यहाँ के सारे जो फ्रॉड चल रहा है उसके बारे में बस एक्सपोज करना चाहती थी इसलिए एक लेडी ने उसको किडनैप कर लिया और डिवाइन माउंटेन में उसको ले जाकर कैद कर रखा है और उसका किंगडम है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ही खतरा आ रहा है इसीलिए वे चाहती है कि वे लोग भी उसकी हेल्प करें और नगुमो भी जिंदा है। सच में काफ़ी अच्छा है ये बात। वह कहने लगता है वह किंगडम से मतलब नहीं है लेकिन वह डिवाइन माउंटेन जरूर जाएगा क्योंकि वहाँ पर उसकी सेंसी ने उसे बचाना होगा लेकिन ये नहीं कि जिससे कि वह किंगडम को बचाने जा रहा हो। इधर सेंसी होती है उसे एक आवाज़ आती है तो डर जाती है तो दिखाया जाता है बाहर की साइड पर नगुमो होता है जो उड़ रहा होता है अपने मैजिक यूज करके बॉल को तोड़ते हुए पहुंच जाता है सेंसी के पास में। उनके हाथ में एक मैजिक सर्कल होता है या फिर एक कुछ भी कह सकते हैं जिससे कि वह बंधी हुई होती हैं उसे वह आज़ाद करा देता है और अपनी केयर दिखाता है यानी सेंसी की वह कितनी ज़्यादा चिंता करता है। वे सच में उसे थैंक्स कहती हैं उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए और कहती हैं आगे सच में काफ़ी ज़्यादा खतरा होने वाला तो अपना ध्यान रखे। लेकिन नगुमो कहता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता इस कंट्री में क्या हो रहा है, उसको फर्क पड़ता है तो अपने केवल गोल से जो पूरा करने वाला है। जगह दिखाया जाता है जो डीमंस की आर्मी होती है बहुत सारे मॉन्स्टर साथ में अटैक करने आ रही होती है किंगडम पर। लेकिन तभी वहाँ पर एक बैलकनी आती है जो कि बताती है अपने बारे में कि उसका नाम नॉइड है और यहाँ पर वह गॉड के लिए गॉड की तरफ से उसे सजा देने आई है। वह एक गॉड्स असोप्सियस है यानी एक बैलकनी। इधर दिखाया जाता सारी विंडोज होती हैं कैसल की वह टूटने लगी होती हैं और जिसके यानी टॉय के पास में एक स्टोन होता है जो कि चार्म स्टोन होता है जो कि मियो ने उसे दिया था जिसे भी यूज कर सकते हैं। और तभी इसी को पता चलता है कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर उसमें भाई ड्रैगन वगैरह जो भी अटैक करने आ रहे हैं उसे उसको कुछ बदला भी लेना है इसलिए वह जाने लगती है और कहती है टोयो के तो पता दिया है वहीं पर मिलेंगे हम। इधर दिखाया था डीमंस वगैरह अटैक करने के लिए अब करीब आ रहे होते हैं बिकॉज जो बैरियर होता है किंगडम पर वह टूट चुका होता है और अब जो बॉल्स होती हैं उन पर भी अटैक कर रहे होते हैं उसे तोड़कर अंदर जाने के लिए। लेकिन नगुमो होता है वह टोयो और यू से कहता है कि वह सेंस से उसको सेव करके यहाँ से ले जा सके इसीलिए उसको बुलाता है। इधर यू होती है फाइट कर रही होती है और सी भी
इन दोनों की फाइट के लिए तैयार होती हैं। यहाँ पर एक डीमन आया होता और कह रहा होता उन दोनों को वह नहीं छोड़ने वाला है, उन पर अटैक करने के लिए कहता अपने सारे जो भी उसके पास ड्रैगन्स होते हैं, डेमोनिक ड्रैगन वगैरह, उन सभी लोगों से। वह कहता उनको वह नहीं छोड़ने वाला, दोनों को ये कहकर अटैक कर देता है। लेकिन यू के सामने बैठे कुछ भी नहीं, वह अपने एक टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर रही होती है, हर एक अटैक करने वाले डीमंस को एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर रही होती है। इधर सी होती है जिसका सामने एक डीमन से हो रहा होता है, जो कि उससे कहता है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही हो, मतलब है कौन। तो उसे कहती है वह उससे बदला लेना चाहती है अपने पास्ट के बारे में। ये कहकर वह अटैक कर देती है उसके आसपास वाले डीमंस को और ख़त्म कर देती है। वह काफ़ी गुस्से में आ जाता है उसकी इस तरह की हरकत को देखकर, तो इसलिए फाइट के लिए वह अपना एक गोल बॉल सी होती है वो फेंक देता है। लेकिन कोई फायदा नहीं, वह उसको ऊपर ही काउंटर अटैक करती है और उस बंदे को नीचे फेंक देती है, जिस वजह से बंदा होता है काफ़ी इंजर्ड हो गया होता है। इधर दिखाया था यू का जो कि फाइट कर रही होती है उन सभी के ऊपर और अपनी एक थंडर ड्रैगन से अटैक कर देती है। लेकिन वह थंडर ड्रैगन अचानक से एक नीचे की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और नीचे टटल टाइप डीमन होता है उसकी तरफ पहुंच जाता है। तो वह कहती है ऐसा है क्या, और ये कहकर वह कभी सारे डिवाइन थंडर डीमन से अटैक करती है। लेकिन जिसे देख डर जाते हैं, अचानक से ही तभी उसके पेट में एक वाइट ड्रैगन आकर अटैक करता है, जो कि सामने वाले डीमन ने अटैक करवाया होता है। लेकिन तभी वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, जो कि सामने जो डीमन था माइड उसके ऊपर ही अटैक हो जाता है और कहती है क्या ये सच में हर्ट हुआ। वह काफ़ी ज़्यादा ही पेन में होता है, तो वहाँ पर जो आसपास के डीमंस होते हैं और उनको भी काफ़ी हर्ट हुआ होता है, मतलब रिफ्लेक्ट मैजिक की वजह से। वे उसको अटैक करने जाने लगते हैं जिससे कि वह कुछ टाइम ले सके माइड के लिए, जिससे वह कि वहाँ से स्केप कर सके। लेकिन वहाँ सी भी आ जाती है जो कि अपने अपोनेंट को धूल चटा चुकी होती है और हेल्प के लिए आ गई होती है। इधर दिखाया था नगुमो जो कि फाइट कर रहा होता है उसी नॉइड से, और वह अटैक कर रही होती है, वह डॉच कर रहा होता है। जैसे ही वह अटैक करती है फिर वह डॉच कर लेता है, अपने मैकेनिज्म को दोबारा समन करता है और अटैक करने लगता है और उससे कहता है कि उसको यहाँ पर मेरे सामने से हट जाना चाहिए। लेकिन वह एक रेड सर्कल टाइप एक अटैक करने लगती है और कहती है बिल्कुल नहीं, और ये कर अटैक कर देती है। लेकिन उसने पहले ही सेफ व्यवस्था कर रखी होती है कि मैजिकल सर्कल बनाने के तौर पर अपने मैकेनिज्म से और सेफ हो जाता है। वो उसे कह रहा होता है कि ऑनेस्टली उसे कह रहा है यदि वह नहीं हट रही है तो मुझे हम लोगों को हमारे देश में यानी हमारे बल्ब में वापस भेज दिया जाए। लेकिन वह कहती है ऐसा नहीं कर सकती, उसने इतना पावरफुल हुआ है, अपने आप इतना पावरफुल हो गया है, गॉड ने जो किया उससे काफ़ी ओवर पावर निकलता जा रहा है, इसलिए गॉड के लिए उसको उसे ख़त्म करना होगा, यानी उसकी पावर इतनी बढ़ रही है। इसलिए वह दोबारा से अटैक करती है, लेकिन वह अपने मैजिक सर्कल बनाकर फिर से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन वहाँ पर तभी टायो भी आ जाती है, तो वह उसे कहता है कि भाई यहाँ से जो सेंसी हैं उसको पहले लेकर निकलते हैं और फिर अपनी बॉर की प्लानिंग करते हैं, पहले सेंसी को सेफ छोड़ेंगे फिर हम इस बॉर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन सेंसी होती हैं वह कहती हैं नहीं, वह सच में काफ़ी यदि कमज़ोर हैं लेकिन फिर भी वह फाइट करना चाहती हैं। ये कहकर अपने हाथ पर एक रेड कलर का सर्कल बना लेती हैं। टायो होती है काफ़ी अप्रिसिएट करती है कि वह सच में फाइट करना चाहती है, तो इसीलिए दोनों लोग मिलकर फाइट में शामिल हो जाते हैं। और इधर नगुमो होता है जो कि अब नॉर्ड से फाइट करने के लिए आ गया होता है सामने। लेकिन तभी अटैक करती है तो अपने मशीन गन और अपने स्नाइपर से अटैक करता है। लेकिन सारे जो अटैक्स होते हैं नॉइड के सामने कुछ भी नहीं होते, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, सारे मैकेनिज्म के अटैक से वह आसानी से डॉच या ब्लॉक कर रही होती है, उसके सारे मैकेनिज्म को वह डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, जिससे देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है, गुस्से में भी होता है कि आखिर वह किस तरह से उसके अटैक से रोके, बिकॉज जो भी अटैक कर रही होती है लेकिन उसकी मैजिक में कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही होती है। वह सोचने लगता है आखिर अभी उसे क्या करना चाहिए, लेकिन देखता है कि उसकी स्वाड सच में अब कमज़ोर होती जा रही होती है उसके अटैक सुनने के, मतलब अटैक से बचते। तभी दिखाया था उसके पास कुछ सर्कल टाइप मैकेनिज्म्स होती हैं, उसकी तरफ फेंक देता है, उसको वह रोकने लगती है। लेकिन वह कोई बाहर के लिए नहीं बल्कि एक टेलीपोर्टेशन होते हैं वह गन से शूट करता है, जो कि उसके ऊपर अटैक होने लगते हैं। टेलीपोर्टेशन द्वारा उसकी स्वाड टूट जाती है, अपनी कुछ रॉप से उसको बांध लेता है और अपनी एक अटैक करता है जो कि उसको पियर्स करते हुए पार निकल जाता है। और देखता कहता है कि आखिर मैं भी देखता हूँ तुम इस अटैक से कैसे सर्वाइव करती हो, और जिसके अटैक की वजह से मारी जाती है और केवल सोच रही होती है उसके नाम के बारे में ही, या आखिर पहला बंदा जो इतना स्ट्रांग है। इधर दिखाया जाता जो अटैक किया होता है टायो और सेंसे, मैं देख रही होती हूँ उसे कितनी ज़्यादा तबाही हो गई होती है उनके रैंडमली अटैक होने से। तो वहाँ पर नगुमो आकर उन्हें थोड़ा सा मतलब शांत करता है और शांति के लिए कहता है। वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि एक सोल टाइप होता है और वो उसको एक सर्कल की तरफ के जाने के लिए कहता है। वैसे वहीं पहुंच जाते हैं टेलीपोर्ट होकर, वे पहुंच जाते हैं लेवरिन में, जहां पर उनके सामने एक बुक रखी होती है, जहां एक रिंग होती है सेम वैसी रिंग जो उसे पहले भी मिली थी, और जहां उन्हें पता चलता है डिवाइन माउंटेन की ग्रेट जो लेवरिन है उसको उन्होंने पूरी तरह से हरा दिया है, उसी जैसी रिंग उन्हें मिली है। और यहाँ पर जो सेंसी होती हैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती हैं, और वह सोचने लगता है ये सच में प्रूव करता है कि मैं यहाँ पर विनर हूँ।
वे लोग कह रही होती हैं कि अब जो किंगडम में थोड़ी स्थिति है वह ठीक नहीं है, टाई उसे बताती है। तो वह कहता ठीक है, हम सभी को अभी निकलना होगा। इधर दिखाया जाता किंगडम के अंदर यानी पैलेस में, जहाँ पर सुजुकी होती है, उसे कुछ महसूस होता है। तो और सभी लोगों के साथ मिलकर आ गई होती है अमानागामा और बाकी सभी लोग जो बच्चे होते हैं उनके पास में भी, और बता रही होती है सिचुएशन को ठीक नहीं है, आसपास का जो बैरियर है किंगडम के ऊपर वह भी टूट चुका है, अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। सभी लोग होते हैं तैयार होकर जाने लगते हैं, और लेकिन तभी वहाँ पर जो एरी आती है वो उसको बताती है कि क्यों ना हमको पहले जाकर कैप्टन माइट से बात करनी चाहिए, उनके साथ में हम मिलकर ही कुछ कर सकते हैं, कैप्टन माइट के साथ में। वे लोग ठीक कहते हैं और पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि कैप्टन माइट का नहीं होती है बल्कि वाइस कैप्टन होता है। वह कहता है कैप्टन माइट अभी भी तो थोड़ा काम में बिजी हैं, लेकिन उनको थोड़ा सस्पिशियस लग रहा होता है। वह उन सभी को अंदर आने के लिए कहता है और तभी अपने सारे गार्ड्स होते हैं उन सभी को तैयार के लिए कहता है, बॉर्ड के लिए, और क्या अपनी स्वार्ड पकड़ने के लिए कहता है। लेके जाने से एक लाइट चमकती है और सारे लोग होते हैं जो आसपास के सभी उन क्लासमेट उन सभी को इंजर्ड कर दिया गया होता है। जहाँ पर कि वो मेड होती है उसके पास जाते हैं, लेकिन धोखे से सुजुकी के ऊपर वह अटैक कर देती है और उसको वहीं ढेर कर देती है। वह कह रही होती है कावरी मुझे माफ़ करना। इधर जो एरी होती है ये सब उसी का प्लान होता है, मास्टर प्लान, और वे सारे वेपन हीरोज के होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और पहुंच जाती है यमानागामा के पास में और कहती है आखिरकार मैंने तुमको पकड़ लिया क्योंकि कौन। और वह उसको एक कस करती है और अपना लव कन्फेस करती है कि हमेशा से वह पसंद करती हूँ, आइए उसको वह प्यार करती है उसको, और हमेशा ही वो उसके साथ में इस बल में रहना चाहती है। और ये सब उसका मास्टर प्लान था, और अपने बारे में प्लान के बारे में फुल विस्तार में बताना स्टार्ट करती है कि सारे जो भी लोग हैं उसको उसने नेक्रोमर्सी द्वारा अपने कंट्रोल में कर रखा है, जिसे स्प्रिट बेंडिंग कहते हैं, और सारे लोग हैं वह उसके डिजायर्स के अनुसार ही काम करने वाले हैं, यानी जैसा वह चाहेगी वैसा ही वह करेंगे। और इस डिजायर की वजह से वह अपनी डिजायर्स यानी इन लोगों की वजह से अपनी डिजायर्स को पूरा करने वाली है। एक बंदी को पूरा अटैक करती है और फिर नेक्रोमर्सी द्वारा वह उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है और कहती है अब ये सब मेरी बात मानने वाले हैं, अब तुम लोगों की बारी है। और ये कहकर वह अटैक करने लगती है सुजुकी के ऊपर, लेकिन वह केवल माफ़ी मांग रही होती है कावरी से कि वह उसके नहीं मिल पाई, लेकिन कावरी टाइम पर आकर उसको अटैक को डिफेंड कर देती है। सारे सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने जाने लगती हैं तो अपना मैजिक यूज करती है, हीलिंग मैजिक, जिसकी वजह से वह जो लोग भी मतलब कंट्रोल में थे बच जाते हैं, केवल बॉयड कंट्रोल वाली बचते हैं। लेकिन तभी पीछे से जाकर यमा अटैक कर रहा है और जो कि धोखा देता है, और इसकी वजह से वह भी शॉक दे जाती है, लेकिन फिर भी वह मरते दम तक भी अपना हीलिंग स्पेल पूरी करती है और अपने सारे फ्रेंड को हील कर देती है। लेकिन तभी वह कहती है नगुमो के बारे में, उसका नाम लेती तो दोबारा से उसके ऊपर स्टैप कर देता और वहीं पर मारी जाती है। सारे लोग होते हैं फाइट के लिए तैयार होते हैं, यगामा होता है वह भी अटैक करता है सारे सोल्जर्स के ऊपर, और लेकिन तभी जो कावरी होती है वह तो केवल कावरी मतलब सुजुकी होती है वह कावरी के पास भी जाना चाह रही होती है, लेकिन कैप्टन माइट वह भी अभी कब्जे में उसकी होता है, तो इसीलिए वह भी यमागामा के साथ में फाइट करने लगता है और उसको इंजर्ड कर देता है क्योंकि उसने पहले उसको पॉइजन दे दिया होता है। लेकिन तभी एरी जाती है कावरी के पास में, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है नगुमो और सारी सिचुएशन को देखने लगता है क्या चल रहा है। वे एक ब्लिंक के साथ में पहुँच जाता है यमा के पास में और उसके ऊपर एक पंच मारता है, जिसे देखकर वह अभी शॉक्ड रह जाता है और दूर जाकर गिरता है। सभी लोग जाकर कावरी को हील करने लगते हैं उसको लाइफ में दोबारा वापस लाने के लिए, लेकिन तभी नगुमो यहाँ बहुत गुस्से में दिख रहा होता है। पीछे सोल्जर अटैक करता है, एरी के कहने पर उसको एक गोली से अटैक करता खत्म कर देता है, कैप्टन माइट को भी एक शॉट से खत्म कर देता है और अपनी मशीन गन निकाल लेता है। तो सभी लोग कहते हैं अभी कभी झुक जाओ। वह बिना किसी की परवाह किए मशीन गन से सारे लोगों को धोना स्टार्ट करता है और वह अपनी गन लेता है। पीछे से एक फायर अटैक आ रहा होता है जो कि उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन उस पर गन शॉट से डिफेंड करता है। यामा अटैक करता है तो वह उसको भी एक गन मतलब एक पाम से अपने ख़त्म कर देता है, उसको पकड़ लेता गर्दन से और बाहर जो सारी मॉन्स्टर की आर्मी आ रही थी उनके बीच फेंक देता और वे लोग उसे मार देते हैं। ऊपर से एक थंडर या फिर कह सकते बीम आ रही होती है, थंडर बीम, जिसको गन शॉट से ख़त्म कर देता है। और ऊपर से एक टेलीपोर्शन मैजिक मतलब टेलीपोर्शन खुलता है जहाँ से डीमन लॉर्ड फ्राइड भी निकल के आता है। सारे लोग होते हैं कावरी को हील कर रहे होते हैं उसे लाइफ में वापस लाने के लिए, लेकिन तभी फ्राइड कहता है तुम सभी लोगों को अभी सरेंडर कर देना चाहिए, यानी कह रहा होता नगुमो से। नगुमो अपने पास एक आर्टिफैक्ट निकालता और एक बीम आकर ऊपर से गिरती है, जिससे कि उसकी सारी डीमन लॉर्ड की आर्मी होती है जिसके भरोसे पर इतना उछल रहा था एक अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाती है। सारे लोग देखकर काफ़ी दंग रह जाते हैं आखिर इतना पावरफुल अटैक कैसे। तभी एरी के साथ में वहाँ से निकल जाता है जो कि उसके साथ मिली हुई होती है और वहाँ से भाग जाता है। सारे लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं, लेकिन वह कावरी को वहाँ से लेकर जाने लगता है तो जो सुजुकी होती है वह काफ़ी ज़्यादा सैड होती है, रो रही होती है कि कावरी को वह सेफ नहीं कर पाई।
लेकिन नगुमा उससे वो भरोसा दिलाता है कि वह कारू के इस तरह से तो नहीं मरने देगा, वो उसको लाइफ में वापस जरूर लेकर आएगा। इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस लिली होती हैं, वे सारे अदर कंट्रीज के मैटर्स को देख रही होती हैं, और एरी जो कि एक बैंडिट से होती है यानी धोखेबाज, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती हैं। इधर दिखाते हैं मैजिक सर्कल के पास में भी लोग आ गई होती हैं जिससे कि काउरी को वापस लाइफ में ला सकें। लेकिन तभी नगुमा पूछता है कि आखिर सेंसी कहाँ है, तो यूई बताती है कि सेंसी वह काफ़ी ज़्यादा ही सैड हैं, बिकॉज उनको लगता है उसकी जो स्टूडेंट हैं उसकी होती इतनी इंजर्ड हो गई और मरने की कगार पर या फिर मरी चुकी है, इसीलिए वो काफ़ी अधिक सैड हैं, अपने ऊपर सारा दुख को मार रहे हैं। लेकिन तभी नगुम उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि आपको इतनी ज़्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अपना सारा जो बर्डन है अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको शेयर करो और अपनी लाइफ को इस तरह से जियो, और ये जो फीलिंग्स इनसे पता चलता है कि तुम एक ह्यूमन हो, यानी ह्यूमन की तरह प्रॉपर लाइफ एक जियो, यानी एक लाइफ जिसमें कि तुम अपने इस बर्डन को अपने ऊपर मत लो, मैं काउरी को बचा लूँगा। मैं उसे थैंक्स कहती है और मैं उसे रोने लगती है, अपने दुख को कम करती हूँ। इधर दिखाया जाता है एनागामा होता है फाइट कर रहा होता है सुजू के साथ में, लेकिन वह वहाँ से चली जाती है कि वह थक गई, उसे आराम चाहिए। लेकिन वह प्रिंसेस लिली आकर कहती हैं तुम चिंता मत करो, मैं अपने फ्रेंड को खोने की वजह से इतनी ज़्यादा दुखी है, सभी लोगों ने कुछ ना कोई खोया है, जैसे उसने अपने फादर को खो दिया था इस वॉर के दौरान। लेकिन वह आसमान तरफ देख रही होती है तो कह रहा होता है कि मुझे सच में इस बात पर बिलीव नहीं है कि नगुमा कुछ कर सकता है या फिर काउरी को बचा सकता है। लेकिन दही प्रिंसेस लिली कहती हैं कि ऊपर की तरफ देखना चाहिए तुम्हें, ऊपर से शायद कोई आ रहा है, जहाँ पर कि मतलब नगुमा की पूरी टीम आ रही होती है, सभी लोग साथ में अच्छे से लैंडिंग करते हैं। और तभी सुजुको उसके पास में आती और पूछती आखिर काउरी के बारे में क्या हुआ, क्या वह ठीक है। तो वह कहने लगता हाँ वह ठीक तो है, लेकिन वह थोड़ी डिफरेंट दिखती है अभी, लेकिन वह अभी आ रही है ऊपर से, ऊपर की तरफ है। लेकिन तभी दिखा तो ऊपर से काउरी गिर रही होती है और वह नगुमा से कह रही होती है पकड़ने के लिए, लेकिन फुल्ली उसे इग्नोर मार देता है। और तभी उसे देखकर अगुमा कहता है आखिर वह कौन है। लेकिन तभी काउरी उसे जाकर हक कर दिया और कह दिया मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुमको बचा नहीं सकी, मेरे वजह से ये सब हुआ, तुम इतनी ज़्यादा मतलब पेन सहना पड़ा। वह कहने लगता है कि नॉइड की जो बॉडी है उसके अंदर ही उसने काउरी की सोल को डाल दिया है, बिकॉज उसको अभी रिवाइव नहीं किया जा सकता। तो यू ही बताती है उसकी बॉडी लेकिन पूरी तरह से प्रिजर्व है, जब चाहे तो हम उसको निकाल भी सकते हैं, उसे रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन तभी नगुमा कहता है अगर तुम पावरफुल हो तो तुम्हें क्यों ना पूरी सिटी की भी हेल्प करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों की। वह कहने लगता है और वह कहता है कि गॉड्स ने जो पावर्स तुम्हें दिए हैं मतलब हम सबको दिए हैं, वही पावर्स तुम्हें भी दिए हैं। लेकिन नगुमा कहता है उसने जिन लोगों को जानता ही नहीं है उसके लिए फाइट नहीं करने वाला है। लेकिन वह उसको कायर कहता है कि उसके अंदर जो हार्ट है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए वो लोगों की हेल्प नहीं कर सकता है। सारे लोग होते हैं डिनर कर रहे होते हैं या फिर बातचीत भी कर रहे होते हैं, जो लिली होती है सारे डिस्कस कर रही होती है कि किस तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है हमारे मतलब किंगडम के ऊपर। तो यहाँ पर नगुमा होता है वह उससे कह रहा होता है कि प्रिंसेस को और पूरे किंगडम को वह सेव करेगा। इधर नगुमा होता है वह कह रहा होता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, वह अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जाने वाला है, यानी जंगल में अकेले जाने वाला है। लेकिन और लोग हैं वह भी उसके साथ में जाने के लिए कह रही होती हैं कि हाँ वह भी जाएंगे जिससे कि वह भी पावरफुल हो सकें। तो नगुमा कहता है ठीक है हम लोग लेवरेथ में जाने वाले हैं, और एक उसका डैम्बलिस फाइल के साथ कह रहा होता है। सारे लोग समझ जाते हैं, उसके फ्रेंड समझ जाते हैं कि आखिर ये इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है। इधर उसकी जो मतलब पास में यूई होती है उसको खाना खिला रही होती है, और जो कि सच में काफ़ी लवली डबली एक माहौल होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो टोया होती है जो कि एक परवर्टेड होती है और कह रही होती है उसका रिवार्ड उसे चाहिए। वह उसी बैंक में रुकने के लिए कहता और कहता है तुम्हारा रिवार्ड चाहिए ना, ठीक है ये रहा तुम्हारा रिवार्ड। इधर दिखाया था शाम का टाइम होता है और जो नगुमा होता है एक जगह खड़ा होता है और यूई उसके पास में आती है, और इसी के साथ में सीरीज यहीं पर एंड होती है। इसके दोनों सीजन हमने इसी वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो इसका जो थर्ड सीजन है उसका शायद उम्मीद है कि 2024 में यानी इसी साल आ सकता है, यदि आएगा तो हम उसे अपलोड जरूर करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के बाद, सायोनारा।